जरा। ओए मेरे से बदतमीजी नहीं करना। क्यों? मैं डॉक्टर हूँ। अबे वही डॉक्टर है यार, वाकई शक्ल सूरत से भी लगता है इवान से, स्मार्ट है यार, आखिर डॉक्टर है, इसकी इज्जत करो यार, इसकी इज्जत करो। पासन चाय पिएगा? मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मैं डॉक्टर हूँ। वैसे बात सुन, हाँ। तू बाहर नहीं निकला कर। क्यों? तू चूहा समझ के मार देगा। वो गाना नहीं है? कौन सा? एक लड़की को देखा तो मैंने कहा क्या? मैं डॉक्टर हूँ। अरे देखिए ईमान से कैसा सजाया था सबने मिलकर, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ भैया कहाँ? भैया भैया कहाँ? गया होगा दर्जी के अपना सूट सिलवाने के लिए। अरे नहीं यार, मुझे पता है वो दर्जी क्या नहीं गया है। मुझे पता है उसकी आदतों में, मैं जानता हूँ, गुलाम को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। उसका दोस्त नहीं है तोतला, उसके साथ बैठ हुआ डब्बू खेल रहा होगा। एक्सक्यूज मी, एक बात बताओ। क्या? ये लड़की ज्यादा खूबसूरत है? मैं, अरे लड़की ज्यादा खूबसूरत है? पागल के बच्चे, हम खूबसूरत हैं। ये अल्लाह ने मर्दों को तो नेचुरल हुस्न दिया है, इसका बोलो अंदर से मुंह धो के आए, अभी बिल बतौड़ी निकलेगी। ये बकवास बंद करो, जाके भैया को लेके आओ। चलो जी। अबे पागल के बच्चों, अगर सात चक्कर हो गए तो ये हमारी पत्नी हो जाएगी। अबे अम्मा, मैं संभाल के रख दिया है। संभाल के रखा ना? हाँ संभाल के रखा है। सही है। और हाँ, ये दुल्हन वाले मेहंदी लेकर कब आएंगे? बस अम्मा आने वाले होंगे। ये तुम्हारे अब्बा कहाँ चले गए? अम्मा अब्बा को आपने भेजा है। ओहो देखो मैं भूल ही गई, अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई, अब मेहंदी भी आने वाली है। अम्मा आप एक हफ्ते से काम कर रही है, दो थोड़े आराम भी कर ले। मैं आराम आराम नहीं करूंगी। हाँ बताओ, मेरी बेटी की शादी है और मुझे आराम करने को कह रही है? चल चल छोड़ आराम आराम, तो अब शादी हो जाएगी, बाद में करेंगे। ठीक है ठीक है। ये मगर तुम्हारे अब्बा अभी तक नहीं आए, मुझे परेशानी लगी हुई है। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे आ गए। कहाँ रह गए थे इतनी देर? अब कहाँ रहूंगा, इस उम्र में कहीं रह सकता हूँ? दो दिन रिश्तेदारों के यहाँ रुकने जाता हूँ, तीसरे दिन ही चरपाई में मकोड़े छोड़ देते। कहाँ रहूंगा, शक वाली बातें ना करो। मैं गया था बेटे की शादी के सिलसिले में कार्ड छपवाने। क्या किया? बना के आया, देखो कितने खूबसूरत कार्ड है। देखो सुनो, कैसी खुशबू वाली है ना, कैसी बदबू आ रही इसमें। तो उसके बाद खुशबू नहीं थी, मैंने कहा बाम लगा दे। अब किसी के सर में दर्द होगा आगे से घुमा देंगे, नहीं उतरा चमाड़ घुमा देंगे। बेहतरीन कार्ड है, देख। सुनाओ क्या लिखा है। सुन, लिखा है मोहतरम व मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरी माँ मुसलमान है भाई। हम अपने नूरे चश्म गुलाम वल्द बादशाह सल्लमहू की शादी खाना आबादी कर रहे हैं, आप शिरकत फरमा के सवाब तारीन हासिल करें। ये एक गरीब लड़का है, इसकी माँ लंगड़ी और काणी है, बाप अंधा है, बहन ने गरीबी और बीमारी से तंग आकर खुदकशी कर ली। मेरी बच्ची, हमारे बेटे की सफर हयात नो के मौके पे रुपया रुपया दें। एक मिनट पढ़ने तो दो, क्या लिख दिया? प्रोग्राम रवानगी है बारात, छोटे छोटे बहन भाई का साथ, निका हसबे तौफीक अता करें, चश्मे बर्रा ईदगाह गरीब मोहल्ला। जो भी ये कार्ड पढ़े ऐसे सोच छपवा के आगे बंटवा दे। ये क्या कार्ड छपा लाए तुम? ये मैंने, मेरी गलती नहीं है भाई। तो क्या मेरी गलती? मैं गई थी बाहर। तुम्हारी गलती भी नहीं है ना मेरी गलती, ये गलती प्रेस वाले की। क्या मतलब? हुआ ये, मैंने जहाँ ये कार्ड छपवाने को दिए, हाँ। हुआ किसी फकीर ने अपने कार्ड छपवाने को दिए होंगे, दोनों का मजमून मिल गया। अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, फकीर के यहाँ बाराती जा रहे होंगे, हमारे यहाँ फकीर आ रहे होंगे। अब पता है क्या, तोतला मुझे रास्ते में मिला था, मैंने उसको 200 कार्ड दे दिए। अच्छा है ना, हमारे यहाँ जो भी आएगा पैदा होगी, फिक्र ही ना करो। कोई काम ढंग का नहीं कर रहे तुम। मैंने अर्जेंट कार्ड बनवाऊंगा मैं अब, और वो बटवाऊंगा, तू फिक्र ना करो, समझी? जा मेरी बच्ची को भेज रहा हूँ, एक मिनट बेटी तू जा। अच्छा। और बड़े वाला पतीला है ना जिसमें सुराग है, उसमें चाय बना जा। क्या पागल हो गया क्या?
नीचे हाथ रख लेगी क्या है? जैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। लो खाने का ऑर्डर दिया, वहाँ पर भी दाल चावल का ऑर्डर तो नहीं देखे आ गए? खाने का ऑर्डर देने गया था मैं, उधर ईदगाह नहीं है साबरी, हाँ। वहाँ गया मैं, गया मैं खाने के लिए आया हूँ तो कहने लगे यहाँ लाइन में बैठ जाओ। मैंने कहा खाना खाने नहीं भाई, खाने का ऑर्डर देने आए। तो कहने लगे यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ, अभी ऑर्डर लिखवाते हैं। मैं कुर्सी पे बैठा बेगम तो मुझे महसूस हुआ कुर्सी के नीचे कुछ है। कुछ है? मैंने देखा तो चूहा था। दूर 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 दूर। क्यों? ताऊन की बीमारी फैल जाएगी। वाह मुसलमानों, कितना ताऊन से डर रहे हो। अरे मुसलमानों को ताऊन से डरा रही, इस्लाम में तो ताऊन के लिए कहा गया है कि नेक मुसलमान की मौत ताऊन से शहादत का मर्तबा रखती है। और तू ताऊन से हमें डरा रही? चुआ 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 चुआ। डगमगा गए ना? हाँ डगमगाया, चूहे पे तो आदमी डगमगा गई। वाह वाह। अभी तुझे बोलू चूहिया? मैं नहीं डरती हूँ। क्यों? मैं शेर नहीं हूँ। मैंने कहा जानवरों में शादी कर ली है। शेर नहीं, अच्छा सुनो, हाँ। मैंने खाया उससे खाना ऐसा बनना चाहिए फर्स्ट क्लास किस्म का, बेहतरीन के लोग उंगलियां चाटे और अंगूठियां गले में उतर जाए। मतलब बेहतरीन किस्म के, मैंने कहा बिरयानी बनाना, जर्दा बनाना, नान बनाना, बैंकॉक हांगकॉक सब बनाओ। ये बैंकॉक हांगकॉक क्या होता है? लो बैंकॉक का खाना खाने के लिए तो यहाँ से वहाँ जाते लोग। अच्छा ये वो खाना है जिसमें सब्जी में मुर्गी होती है और लंबी लंबी सेवियां होती है? हाँ लंबी सेवियां होती है ना, एक ठान मारो पूरी प्लेट खाली। चलो वो भी बनेगी। मैंने कहा बेहतरीन किस्म का खाना बनाना, और ये जो है ना खीर की कटोरियों में मैंने कहा चवन्नियां डालना, इनामी स्कीम। ओफो इतनी फुजूल खर्ची क्यों? सुनो तो सही, जो भी आदमी खाएगा ना हाँ। वो ऐसे खाएगा तो ओए मेरे निकली है चवन्नी, आपस में लड़ाई होंगी। मैंने कहा छोटे छोटे प्लास्टिक के जानवर भी डालो, ऊंट हाथी सब। ये क्या करे फजूल खर्ची क्यों इतनी? मैं बेटे की शादी हो रही है फजूल खर्ची ना करें, अगर हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे तो हमें पाकिस्तानी कौन कहेगा भाई? फजूल खर्ची का आलम देखना है तो जाके देखो शादी हॉलों में, एक एक प्लेट में इतना इतना खाना निकाल लेते हैं लोग, लेकिन खाता कोई नहीं है। और उसी शादी हॉल के बाहर फुटपाथ पे जाके देखो कितने गरीब लोग भूखे सो रहे होते बेचारे, किसी को एहसास नहीं है खाने का जाया हो रहा है। मैंने सोच लिया मैं फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगा बेटे की शादी में, हाँ मुजरा कराऊंगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे इजरा कराने की। नहीं मैं भाई तुम्हें मैं दूंगा ना नोटे, नहीं उड़ाना अपने बेटे की शादी। पैसे उड़ाऊंगी? बहने पैसे नहीं उड़ाना, तुम्हें मैं रेसगाड़ी ला के दूंगा उसमें बजरी डाल के उड़ाना, फिक्र नहीं करो। चलो ठीक है, अच्छा पैसों का क्या किया? मैं ले आया पैसे। तुम ले आए? 30,000 रुपए लाया हूँ जाहिद कमल से। उस सूदखोर से? तो सूदखोर है तो क्या हुआ, लोगों का ख्याल तो रखता है, काम तो आता है, गरीबों का बहुत ख्याल रखता है। फिर मैं उससे ले आया हूँ, तू फिक्र ना करना, कर्जा मैं और गुलाम उतार देंगे। चल हमसे तो वैसे ही नहीं लेगा पैसे, नोट भी ऐसे दिए मुड़े हुए, अब जाके इस्त्री करने पड़ेगी मुझे। सुनो तो टीन की पेटी है ना जिसमें ढक्कन नहीं है हाँ? उसमें रख देना पैसे। वेरी गुड, ताकि कोई आए ऐसे ही ले जाए। मैं जा रहा हूँ कमरे में, चाय पियोगी? हाँ पियूंगी। ना पिया करो, अच्छी आदत नहीं है। कैसे आदमी है, चाय पियोगी ना पिया करो, अच्छी आदत पूरे पाकिस्तान को। खिलाएंगे कहाँ से? तभी कह रहा था मैं रमजान के महीने में शादी कर लो, रोजों में बुलाते, कार्ड भी लिख देता, अफ्तारी अपने घर जाके करो जाओ। तो बिठाएंगे कहाँ? छोड़ो अम्मा कहीं भी बैठा हुआ, पहले तो बात तो सुनो। क्या हुआ? अभी शादी हुई नहीं है, गंध शुरू हो गई। कैसी गंध? मैं कह रहा सूट देने दर्जी को सीने के लिए, मैं सूट लेने गया ना आज तो उस मनुष्य ने नेकर बनियान पकड़ा दिया, अब मैं दूल्हा नेकर में जाएगा ऐसा लग रहा, कुत्ता मार कंपनी से आया दूल्हा। तो कहीं और से सिलवा लेता? कहाँ से सिलवा अम्मा, अभी शुरू में ऐसी हरकतें हो गई, कल अगर बीवी बदल गई ना शादी वाले दिन, कोई मिल गया ना यूं, वो घर में आएगी मुझे देखी कि अब्बा खुश हो रहा होगा। क्या इनका तो यही होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पागल हो गया? पागल नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा होगी, चांद का टुकड़ा। हाँ 6 महीने बाद पूछूंगा इंशाल्लाह, भूसी टुकड़ा होगी। नहीं नहीं पता तेरी बारात किस पे जाएगी? किस पे? बाहर घोड़ा देखा कितना अच्छा सजा हुआ है, उसपे जाएगी। उसपे तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? वो समद की शादी हुई थी तो वो घोड़े पे जैसे बैठा ना किसी कमीने ने जलता हुआ सिगरेट घोड़े के यहाँ लगा दिया, वो घोड़ा ऐसा भागा आज तक नहीं आया। क्या? समद भी नहीं आया अम्मा, उसकी बीवी बेचारी घर बैठे बैठे नानी दादी बन गई, ये समझ में नहीं आया आज तक।
अम्मा कैसे बन गई नानी दादी? कैसे बन गई? बहन काम ही कर रहा। चल छोड़ 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 सही है, ऐसा करेंगे तेरी बारात साइकिल पे ले जाएंगे। हाँ ये ठीक है, ये सही है ना? दो दूध का ड्रम देना, बेचता हूँ निकल जाऊँ मैं। नहीं नहीं आईडी बता दी, साइकिल में जाएगा दूल्हा। तो क्या हुआ? पहिया पहिया जाएगा, पहिया पहिया। चल सही है, पहिया पहिया। अम्मा मेरी शादी हो रही है। हाँ मेरे मुंह तो बंद कर ले, स्टाइल है शर्माने का। मेरी शादी अम्मा? हाँ। मैं अपनी बीवी को रोब में रखूंगा। रोब? हाँ बेटा रोब में। मैंने तो सोचा हुआ है। क्या सोचा? घूंघट उठाते ही नया वाला खुस्सा मुंह पे मारेगा। नहीं पागल हो गया क्या? मैंने तो कीले ही फिट करा ली खुस्से में। सारा मुंह छिट जाएगा अम्मा, जगह जगह से थूकेगी वो। अम्मा तेजाब है तेजाब। उसके मुंह पे फेंकूंगा, यूं हो जाएगी, सुबह निकला करेगी शाम को खुद ही घर आ जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं। समझा करो अम्मा, बीवी खूबसूरत हो काम पे दिल नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे? और क्या, आदमी टेंशन में ही रहता। मैं यहाँ हूँ, मोहल्ला तो ठीक नहीं है। ये कहाँ बैठ के आया, कहाँ से उल्टी सीधी बातें सीख के आया ये? समझा करो अम्मा, रोब में मैं तो नक्सली फोड़ दूंगा बीवी के। कैसे ऐसी बातें नहीं करते? हाँ देख तो लड़की भी नहीं आई, तुझे उपटन भी लगाना है बेटा। हाँ माँ उपटन लगाना है। उपटन लगाने से पता है बेटा मुँह पे नूर आता है? नूर नहीं आता है, नूर आता है अमल से। अमल से जिंदगी बनती है, दोजख भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत से नाड़ा है नाड़ा है। बकबक कर रहा है, नाड़ा है नाड़ा है, नाड़ी है नाड़ा है, बस। चल चुप कर जा, लड़की भी नहीं आई, आ जाए तो तुझे उपटन लगा दे। मोहल्ले की लड़कियाँ ठीक आई नहीं। वालेकुम सलाम। इतनी देर तैयार होने में देर हो गई, तो बाकी और कहाँ है? अम्मा तुम भी ऐसे ही हो क्या? इतना अच्छा सामान घूम रहा है, इसी को पकड़ करा दे। ये क्या कह रहे हैं गुलाम भैया? अब भैया भैया मत कहा, मुझे दमा हो जाता है। पागल हो गए क्या? इनको हाया नहीं, इतना मुख लगा भैया। तो फिर और क्या कह? भैया क्यों कह रही है? भैया ना कह भाई, मुझे खसरा निकल आता मुझे। अम्मा और तुम्हारी दूसरी वाली बाजी कहाँ रह गई? वो तैयार हो रही है। हाला तुम्हारी सहेली ना बहुत देर लगा, और बहुत तैयार होती है अम्मा। तैयारी हो और मैयत में भी तैयारी से जाती है। इनका खालू है ना वो खूबसूरत, आ नहीं दे रहा था, मगर मैंने कहा तू चल झाड़ू बर्तन कर, मैं तो जा रही हूँ। ये होती है बीवियाँ, तुम्हारी सहेली है। इतनी देर? बहुत प्यारी है माशाल्लाह, हरे जोड़े में घूम रहे, ऐसे लग रहा तरबूज घूम रहा मोहल्ले में। तैयार होके आई है, तेरी शादी है ना इसीलिए। तैयारी तो देखो, मेहंदी में जाना है ना। हाय हाय, जा जाके तुम इसे उपटन लगा दो। उपटन नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों? कल भी शकीला ने पूरे मुंह पे मेरे बरनाल मल दिया। उसको घर में जो भी पीली चीज होती है मेरे में मल रही है वो। तो शुक्र करो घर में कोई बच्चा नहीं है। कैसी बातें करता ये? और क्या, उसका क्या भरोसा? उसको तो पीली चीज नजर आई, ये पकड़ा, ये मजा, ये पकड़ा। कैसी बातें करता है ये लोगों, इनको खाला टेंशन। क्या करूं मैं, इसने तो मुझे तंग किया हुआ बचपन से लेके और आज तक मेरा सुकून गायब किया हुआ। कभी कुछ कर देता है तो कभी कुछ करता। अभी खुद सुनो ही क्या बताएगा, देखो क्या क्या शैतानी करता चला आ रहा। क्या क्या क्या? यही साड़ी पहन के ना चारपाई पे लेटी हुई थी तो मैंने बोला देखो इनका वजन कितना है। मैंने चारपाई लड़ दी, गाय ने आके मुंह मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? गाय समझी घास की गड्डी उलट गई है। बुरी बात है। मैंने तो इनके दुम में दुम भी बांधी थी। दुम? हाँ उस पर लिख दिया दुमदार खातून। ओहो अमेरिका के टक्कर पे। ओहो पूरे मोहल्ले की टेंशन रहती है इनको। क्या? किसी के घर में खुशी हो रही है, क्यों हो रही है? तो तुम चुप भी तो हो जाओ। चुप भी हो जाओ, चलो मुझे पकड़ के ले चलो अंदर। चलो मैं दूल्हा हूँ। चला बेटा उपटन लगाती हूँ इसको। चलो पकड़ो, सही से लगा देना। इधर आ इधर पकड़ो भाई, दूल्हा को पकड़ो। दूल्हा की इज्जत होती है दो दिन, एक हफ्ते तक दूल्हा के साथ ऐसे ही होता है। एक हफ्ते के बाद कोई पहचानता भी नहीं कौन है मनु। चलो दवा करो। अच्छा चलो अभी मैं उपटन लगाऊं तुम्हें। हाथ हाथ तुम हाथ मत लगाओ। क्यों? ओ काला मेरी शादी हो रही है, तुम्हारी मियाँ की तो हुई भी नहीं। तुम्हारी मियाँ की हो गई? की पागल पता नहीं, शायद मुंह बोलियो। चलो चलो भाई पकड़ो। अच्छा बहन मैं जा रही हूँ। दूल्हा की इज्जत होती है यार, दो तीन दिन क्या करो। Yeah.
मेरी बात हमें। ओहो, किससे बातें कर रहे हो, कौन है? वो हिजड़े आए थे। क्या कह रहे थे? तेरे तुम्हारे घर में शादी, हम नाचे ने डांस करेंगे, पैसे कमाएंगे। और मैंने नहीं भाई, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे यहाँ धरते हिजड़े हैं। कैसी बातें कर रहे तू? अरे तो आजे आजे नाचते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? मैंने तो उनकी पिटाई करवा दी, अब तभी दली में नहीं आए। कैसे के मैंने उनके यहाँ भेज दिया। मेरे इरशाद भाई नहीं है जिनका लड़का परसों हौद में डूबते मरा है, उनके यहाँ भेज दिया मैंने। जा, उनके बच्चे की छठी है। ₹2, ₹3 फिर वो तो वापसी में रास्ते में थालू मिले, उन तो बताया उन्होंने सही ताट दिए, फिर मैं बांटते आया हूँ। चलो सही, रिश्तेदारों में बांट आया ना? नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों में नहीं बांटे, उनसे मेरी बनती नहीं है। क्या? मैं अपने दोस्तों में बांटते आया, नीच रांची अल्लाह वाली पे। रिश्तेदारों ने क्या किया था गुलाम जी मांगनी में, याद नहीं है? इतने बड़े बड़े डिब्बे सजाते लिया है, वो डिब्बा थोला उसके अंदर है तो डिब्बा, फिर वो डिब्बा छोला उसके अंदर एक और डिब्बा, फिर एक और डिब्बा, आखिर में एक पर्ची निकली, माफ करना बहन, हमारी मियाँ तो तनखा नहीं मिली। दोस्तों तो दो तोहफे भी दे, दोस्तों तो आएंगे देखना है, तो पान की पुड़िया ला रहा है, तो नसवारती डिब्बी ला रहा है। ईमान से मैं तो बंदाली पाड़े में भी बांटते आया हूँ, बंदाली आएंगे तो भूते होते बेचारे मदद हो जाएगी उनकी, समझा करो, मैंने सियासत में बुलाया है। आजकल पुलिस पतड़ते फिर रही है ना बंदालियों, तो बंदाली छुपते फिर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूछे लगाते अपनी तरफ से पठान बने ढूंढते फिर रहे हैं। मैं बंदालियों तो बुलाया है, वो थाना था रहा उन्हें पीछे से पुलिस तो बुलाते, छापा पड़वा दे। अब यहाँ छापा भी पड़ेगा, तू तो फौजन निकल जाए यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शकीला बेटी जी अम्मा, तू दुल्हन के पास बैठ, मैं भी आती हूँ। अच्छा, ध्यान रखना। अच्छा अच्छा अम्मा। इतना प्यारा लग रहा नहीं? बहुत प्यारा लग रहा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पर एक कसर रह गई है। क्या? क्या? दूम की दूम। चुप हो जा बंदर की औलाद। चुप की क्या बात है, तू लगी से रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा, एक बात बता मुझे। हाँ। जो बात तेरे को मैंने पुलिया पे बैठ के समझाई थी वो याद है ना? बजाया, चल चल जा, बहुत ही बेहुदा आदमी है भाई तू। बेहुदा की क्या बात है, जो बात समझा तुझे याद है या नहीं है? चल जा अपने घर जाके सिखा भाई, बच्चों को बिगाड़ा तू। कमाल कर रहा है, अबे मैंने तेरे को नफल पढ़ने के लिए कहा था। नफिल पढ़ने को कहा तो उसके आगे का भी तो बता। अबे दुनियादारी की बात मैं तुझे समझा रहा हूँ, बात समझता क्यों नहीं है? अपने बाप भाइयों को सिखा भाई, मैं कोई सिखाया बात है? दूसरे को बच्चा भी कहता है तुम काली है। समझ जा भाई, समझ जा। अबे यार तुम लोग आ गए यार, मैं उधर गलती से दुल्हन वालों की सुदूती से मैं लटक दिया था। गलती से नहीं लटका था मनोज, जान बुझ के लटका था तू। समझा तर, लटता तो गलती से था, जब लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दिन नहीं जाना, मैं पछता हो दिया। अभी यार, अभी तू तो दूल्हा बनते जितना अच्छा लग रहा, उधर ध्यान ही दिया यार, कितना मजा आया तेरी शादी में यार। और अभी ये शकीला थे तो बराबर में दही बड़ा वालों ने मट्टा रख दिया। वो मेरी बीवी है। अभी भाभी है। हाँ। भाभी यहाँ पे आ गई। क्यों, तुम्हारे यहाँ भागने का रवाज है क्या? अबे भाभी आ गई। हाँ, हमारे यहाँ तो आ जाती है। अबे कैसी है, मैंने तो देखा नहीं, मुंह देख लूं? दे देख। शकीला क्या? ए भाभी तो मुंह तो दिखा ले। पहले मुंह दिखाई दो। ए यार, ये तो थर्चे वाली बातें कर रहे तो दे। बारातों में पैसे लूटे, इतने लुटा दो पैसे, मुंह दिखाई दे। हाँ, मुंह दिखाई दो यार, तंदला करे दी। लो ₹5। ये क्या, ₹5? हाँ तो क्या हुआ, पाँच इतने ही है, अच्छा ₹5 में जितना मुंह आया उतना दिखा दे। इसको इसको जुबान दिखवा दे, जुबान। एक मिनट भैया, ₹5 वापिस कर। ये मुंह देखने वाला है, ये तो फेंकने वाला। अबे अम्मा क्या ले आई,
ये तो तोतले को ही पसंद नहीं आए। अरे भाई नुकसान हो गया, दो बीसियां गई, 40-40 की दो थी गई। अबे ओ तू अपनी बीसी को रो रहा है, तेरी दो बीसियों को, ये जब तेरा मुंह देखेगी ना तो इसके वालदेन की कितनी बीसी जाया हो जाएगी पता है तुझे? तू अपनी शकल तो देख। चुप हो जाओ कल्लू के बच्चे। बात सुन, मैं इसका मुंह देखूं? हाँ थोड़ी बहुत नेस्ती रह गई, चला जा तू बहरा दे। अबे यार बीवी कैसी आ गई? अबे तो बीवी, तू क्यों जाएगा उसके पास? बस देख, अगर मुंह देखने नहीं देता कोई बात नहीं, मुझे जो बाजू में बैठने तो दे। क्यों भाई? नजर नहीं लगेगी, नजर बट्टा हूं मैं। अपने घर वालों के साथ जाके बैठ जा, दफा यहां से। अबे तैसी बातें कर रहा है यार भी अल्लामा अम्मा। अबे परेशान नहीं हो, भाभी अच्छी है, वो तो मैंने 5 रुपए वापिस लेने के लिए चिरानती थी। भाभी अच्छी है, देख ले तू, देख ले, पसंद ना आए मुझे दे दियो। मैंने क्या जुमा बाजार खोला हुआ यहाँ पे? ये समझा नहीं, प्लास्टिक सर्जरी कराते वापिस दे दूंगा भाई। अच्छा बात सुन, तुझे जो बात मैंने समझाई। मैं जाना यहाँ यहाँ से, मैं सुबह से एक ही बात करा, बहुत ही छिछोरा भाई है। क्या समझा, शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसी बात करता है? शर्म की क्या बात है, दुनियादारी की बात मुझे समझाई? चल जा, मुझे कुछ याद नहीं। तुम ताले खान? क्यों ताले खान, तेरा बाप होगा, सीधी बात कर मेरे साथ। तो समझाई, मैं इतने दिनों से बोलना मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझाई। अबे पहले तू अपनी शादी तो कर। तो आदमी शादी ना करे, मालूमात तो होनी चाहिए। खैर हो गए तेरी भी। देख बे मियां बीवी है ना, मियां बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये बोलना दो पहिए होते हैं, तुम्हारा एक पहिया तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, स्पेयर व्हील तो है ना? यह आदमी मुझे बचपन से सही लगता है। ये बात सुन, देख बीवी पे रोब रखना, रोब। कैसे कैसे? मुंह देखने से पहले तोड़फोड़ शुरू कर देना, ठीक है, ताकि पहले दिन ही तलाक हो जाए। मैं नहीं, तलाक नहीं को रोब। अरे तेरे तुम झूठ बोलना, ये ऐसे ही बताते, इतने इसी चक्कर में अपनी बीवी को ही तलाक दी थी। अबे तोड़फोड़ नहीं, जवानी डांटो इंग्लिश में, समझ ना, यो ना शेडा पैसे की क्या पो पिया पो। ये कौन सी अंग्रेजी जिसमें चाइनीज भी आती है? अच्छा उर्दू में बताता हूँ, यू नो शट अप, तूने रात को खाना बताया था दाल में नमक तेज क्यों था? वो आज आई है, रात का जिक्र कहाँ से ले आऊ? अब नहीं, पहले से पहली रोप डाल देता था, बाद में धन्ना हूँ। समझने सारी बात तुझे समझाया, याद है ना? ठीक है, बस अब मैं सुबह आऊंगा और रिपोर्ट लेके जाऊंगा। रिपोर्ट लेते जाऊं, ये था शादियों के स्कूल का हेडमास्टर रिपोर्ट। अबे आदमी सही नहीं है ये। अबे तू तो सही लग रहा है यार, ईमान से मुबारक तो बहरहाल शादी हो रही, तेरा कितना मजा आया। अब भाभी घर में आती है, ख्याल रखना, एक काम करना। क्या? घर में एक टीवी खरीदते रख लेना। क्यों? उसमें आजकल स्टार आने ना, खानदानी मंसूबंदी आलो थे, तम बच्चे तो साल दर आना, दो बच्चे ताफी है, बच्चे तम जिंदगी आसान। ये जाके अपने अब्बा को बता जिसके 17 चल जा। तो वो 17 तो इश्तहारों से पहले थे। तू खुद बता, पिछले 3-4 साल से हमारे घर से तो ही लड्डू आया। नहीं मौत की खबरें आई हैं। तो आदमी पैदा होता तो मरे जाए, इतने लोग माने हमारे घर से मर जाए, क्या बात है? अबे तूने ये बातें खानदानी मंसूबाबंदी वाली बातें समझानी है तो जा समझा इरशाद भाई। तो क्यों? अबे कल रात तो 2 बजे फिर टैक्सी ढूंढते फिर रहे थे मोहल्ले में। ये मनुष्य 2 बजे रात को क्या कर रहा होता है? भैया शादी मुबारक हो। सब मुबारकबाद दे रहे हैं, अल्लाह खैर करे, मेरा बॉन्ड निकल आया क्या? आपका बॉन्ड ही निकला है? क्या मतलब? मेरी भाभी चांद जैसी है, अगर छत पे बिठा दे पूरा शहर चमक जाए। छत पे ना बिठाइयो। क्यों? मोहल्ला ठीक नहीं है, ये पूरा चांद देख के ही अंदर जाएंगे जब तक गिरन ना लग जाए। हाय अल्लाह, मेरी भाभी तो चांद, मेरी भाभी तो बस सोनी है। सोनी सोनी है तो फिर वो गुजरात वाली सोनी चनाब में डूब के क्यों मरी थी? भाभी वो सोनी चनाब में डूबी थी, अगर आपको डूबना हो 3 लट्टी चली जाना। मेरी रकम लगी हुई है, रकम, तू उसे मशवरा दे उल्टे सीधे, चल जा। हाय अल्लाह, मेरी भाभी कितनी प्यारी है। तो ठेले में रख के घूम, चल जा यहाँ से। मैं नहीं जा रही। क्यों? मैं दिल चाहता है कि भाभी को बैठ कर देखती रहूं। ए अम्मा। अम्मी क्या हुआ?
मामी इसको बुलाओ। चल शकीला अंदर आ जा। अच्छा अम्मा। चल जा, अब तो कोर्ट से भी आवाज आनी शुरू हो गई। हाँ कोर्ट से आवाज मेरी आई है और पेशी आपको देनी है। चल जा पेशी। हाँ हाँ बोल। भाभी के सामने अदब से पेश हो जाना। क्यों? मैं जा रही हूँ। ठीक है तू जा। सुन ये टोपी ले जा। हाँ, अगली शादी में काम आएगा। हाँ ठीक है। एक ही दफा का तो होता है डर, बाकी हिजाब खुल जाए आदमी करता रहता है। बीवी को रोब में लेना है। मैंने कहा बीवी जी, बेगम साहिबा, वोटी जी, बहन जी। अल्लाह मियां मेरी पहली पहली शादी है, सामान कोई अच्छा ही निकालना। कोई आड़ी टेढ़ी निकल आई ना मैं तो पसर जाऊंगा, चीनी लेने आया था। मैंने कहा बेगम साहबा सलाम अलैकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ। दीगर अवाल ये सुना आपके छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, लानत तेरी जिंदगी। ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने कहा बेगम जय जरा नकाब तो उठाओ। हाय ने मर की। हाय अल्लाह बोलती भी है। पैसे सही जगह लगे हैं इसका मतलब है। उठाओ ना नकाब, जरा घूंघट तो दिखाओ। ये लीजिए। हाय ओए मैं मर जावा गुड़ खा के। क्या मुझे टिकटिकी बांध के क्या देख रहे? अब तो कोई मुझे कोड़े ही मारे तो तुम ही देखूंगा। हाय मैं मर गई। मरने की बातें छोड़ो, मेरी रकम लगी है। आती मरने मरने की बातें शुरू कर दी तुमने। देखो तुम मेरी बीवी हो, इस घर में आई हो, मैं तुम्हारा सरताज हूँ, जरा ध्यान रखना। क्या बीवी बीवी की रट लगा रखी है, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। तुम्हारी आवाज जरा आस्ते, ये बाहर ना जाए आवाज। आप मुझे हाथ बता दे, मेरी आवाज वहीं तक जाएगी। देखो तुम इस घर में डोली में बैठ के आई। जाओ डोली में कौन, मैं तो कार में बैठ कर आई थी। मेरा मतलब है डोली में बैठ के आई और जनाजे में जाओगी। क्या आने मर गई, मेरे नसीब फूट गए। अरे तो अभी से मेरा जनाजा निकालने लगे। मैं तो नसीहत कर रहा हूँ। तो मेरा बाप रखते हो? तू क्या, तू पहली औरत है जो अपने निकाह पे खुद ही हमला कर रही है। ऐसी बात नहीं है, मेरी रकम लगी हुई, तुम गौर फौल बक रही हो। चलो आप नाराज हो गई। नहीं तुम्हारी इन बातों पे भंगड़ा डालूं। चलो अच्छा गुस्सा थूक दो। आग थूक? माशाल्लाह भाई तुम तो परफ्यूम थूकती हो, जांच थूकती है पॉइजन। चलो आओ प्यार की बातें करें। प्यार की बातें ऐसी जगह नहीं होती। तो क्या मियां बीवी हिल पार्क जाएंगे क्या? कमरे में चलो। गुस्से से मारा मजाक से मारा है? गुस्से से। ठीक है, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चल मेरे पीछे कमरे में आओ। वहाँ कहाँ जा रही है? क्यों? वो अब्बा का कमरा हुक्का लेकर बैठा हुआ हूँ। फिर कौन सा कमरा है? ये आला है, मैंने खुद सजाया है। चलो जल्दी आओ मेरे पीछे। पीछे आएंगे भाई, बीवी का कहना मानो, इसी में सबकी जन्नत है भाइयों। गुलाम के अब्बा इधर आओ। ये क्या तुम अदाकार मोहम्मद अली की तरह बने फिरते हैं? तू भी तमन्ना से कम नहीं है। खामोश। हाँ क्या करते रहते हो अंदर तुम? अरे क्यों शक करती हो क्या, खिड़की के पास खड़ा रहता हूँ, तुम वहाँ भी शक करती रहती हो। तो वहाँ खड़े खड़े क्या करते हैं? वहाँ क्या के पास? वो तुमने खिड़की पे अखबार है जहाँ लगाया हुआ है, ऊपर अपनी किस्मत का हाल पढ़ता हूँ, नीचे खाने पकाने की तरकीब पढ़ता हूँ। ये लड़की देखी तुमने? कहाँ है कहाँ है? फौरन। बड़ा सीधे हो ना तुम। मैं तुम्हारी बहू के बारे में बात कर रही हूँ। वो तो मेरी बेटी की जगह उसे देखूंगा। क्यों खुदा, एक तो ये आदमी मेरी बात नहीं समझता। मैं ये कह रही हूँ इसे एक महीना हो गया यहाँ आके, अभी तक इसने किसी काम पे हाथ नहीं लगाया। पर जब तक तुम्हें और मुझे एक एक हाथ नहीं लगाएगी। क्या? उस वक्त तक काम को भी हाथ नहीं लगाएगी। अच्छा अब ये हमें जूते भी लगाएगी? और क्या, ये आजकल की लड़कियां भाई। उंगलियों पे तो नचा के रखा कमबख्तमारी ने, इस कदर चालाक है तोबा तोबा। तू कम चालाक थी है? मैंने जब घूंघट हटाया अंदर से लोमड़ी निकली। जवानी में तेरी कैसी आंखें चलती थी यूं? अब आंखें छोड़, तुझसे मुंह से सही बात नहीं होती। मुंह से भी कहती है तो यूं कहती है, गुलाम के अब्बा तेरे दांतों के कीड़े गिन लेता हूँ मैं। भूल गए वो दिन जब तुम मुझसे कहा करते थे, ए हलीमा क्या तेरी बदामी जैसी आंखें हैं? बदामी जैसी नहीं, मैं कहता था क्या तुम्हारी बदनामी आंखें हैं। बदामी आपका अखरोट जैसी आंखें हैं तेरी। अच्छा और तुम वो जो कहा करते थे, क्या तुम्हारी हिरनी जैसी चाल है? हिरनी जैसी नहीं कहता था, मैं कहता था क्या तुम्हारी हथनी जैसी चाल है। मुंह से हिरनी निकल जाता था और हिरनी बुरा मान जाती थी। और तुम ये भी तो कहते थे
तुम कितनी स्मार्ट हो। वो तो जवानी में हर आदमी की नजर कमजोर होती है, उसे फोक्सी भी टोयोटा करोला नजर आती है। तुम ये भी तो बोलते थे तुम कितनी खूबसूरत हो। वो मेरा सियासी बयान था, सीट मिल गई मैं पसड़ गया। हाँ? जहाँ सीट मिले फौरन लौटे हो जाओ। और वो जो मैं तुम्हारे घर आई थी और आके मेरी माँ को खा गई थी। मैंने भी अपनी जवानी कहाँ बर्बाद कर दी। कहाँ बर्बाद कर दी तो अखबार में स्टार दे दे, मेरी जवानी जहाँ कहीं भी हो वापिस आ जा, उसे कुछ ना कहा जाएगा। तुझे अपनी जवानी की पड़ी हुई यह नहीं देख रही मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, वो कौन उतारेगा? कौन उतारेगा? तुम्हारा बेटा उतारेगा और कौन उतारेगा? ये गुलाम उतारेगा। हाँ। कल मैंने उससे कहा बेटा गुलाम छत से जरा पट्टे वाला पजामा उतार के दीजियो, वो नहीं उतारा इसने। अरे शादी से पहले पकोड़े भी लाता था तो मुझे कहता था अब्बा पकोड़े खाओ, मैं कहता नहीं बेटा मेरा पेट खराब है, नहीं अब्बा खाओ। अब शादी के बाद मूंगफली भी लाता है तो मियां बीवी कमरे में बैठ के इस तरह खाते कि मूंगफली खुलने की आवाज बाहर ना आए। वैसे तुम सही कह रहे हो, ये गुलाम ना जोरू का गुलाम बन गया है। बेगम तुम एक काम करो। क्या? जो हमने बहू को 10 तोला सोना दिया है वो किसी तरह वापिस ले लो। ठीक है। हाँ। आज रात डन 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 जब वो सोएगी डन डन मैं इसको गलत दबा कर। इस तरह सोना नहीं मिलेगा, 302 का केस मिल जाएगा। अपने साथ मुझे भी अंदर करवाइए। फिर क्या करो? हाँ। वैसे गुलाम के अब्बा, हाँ। मेरे जहन में एक बात आ रही है। क्या? तुम देख लेना यही होगा, ये अपना गुलाम है ना, ये बीवी को लेके एक दिन अलग हो जाएगा, देखना तुम। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेगम कि अगर वो अपनी बीवी को लेके अलहदा हो गया, हाँ। तो मैं बूढ़ा किस तरह कर्जा उतारूंगा, वो सूदखोर तो मेरा गला दबा के भी मुझसे कर्जा ले लेगा। गला क्या, तुमको पूरा दबा के पैसे वसूल ना करे ना तो मेरी भी चुटिया काट देना। हाँ मेरी चुटिया काट देना, तू तो चाहती है मैं परकटी बन के घूमू। मैं कब्र तक पहुंच गया खुद नहीं पहुंची। ऐसे कब्र में नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। और नेक बखत ये प्यार दुनिया में अच्छा लगता है, कब्रों में नहीं, वहाँ हिसाब किताब भी देना होता है। देखो इन्हीं दिनों के लिए मैं तुमसे कह रही थी कि बेटे की शादी में इतना खर्चा मत करो, आगे हमें बेटी भी ब्याहनी है। तो क्या करें, बिरादरी और कौम में नाक भी तो दिखानी होती है। बस नाक दिखा ली, रह गई तुम्हारी नाक। अब बताओ कर्जा अदा करेंगे या बेटी की शादी करेंगे? जिसने पैदा किया वो करेगा। तो इसलिए तो तुम्हें कह रही हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात कर रही है। तो तुम्हें नहीं कहूँ तो क्या बाहर पड़ोस में कहूँ? अरे उतर जाएगा कर्जा, मैं और गुलाम उतार देंगे, तू फिक्र ना कर। बस उतारेंगे, रह रहे। ये बता तेरा भाई कहाँ है? वो हज का फॉर्म लेने गए। हज का फॉर्म लेने गया? बताओ मुझे इतने सारे जंगल जिलेबी के बीच दे गया सुबह। कह रहा दूल्हा भाई इसे छील के तके के नीचे रखो पैसे बनेंगे। मैंने भी इतने सारे छील के रखे, मैं अब बनी नहीं रहे पैसे, समझ नहीं आ। अस्सलामुअलैकुम दूल्हा भाई, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। दूल्हा भाई, हाँ। मैंने आपसे एक गुजारिश की थी, कभी कभी नमाज पढ़ लिया करे, नमाज जो है वो फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर, जिस तरह बच्चों की शादियां फर्ज है ना इसी तरह नमाज फर्ज है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना उन पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती, कोई परेशानी उनके करीब नहीं आती। सही कहा भाई आपने, इंशाल्लाह अल्लाह आपको हज जरूर कराएगा। बस बहन दुआ कर अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में एक दफा रोजे रसूल की जियारत करा दे, फिर मैं इंशाल्लाह वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अरे भाई आपको अल्लाह हज जरूर कराएगा इंशाल्लाह। आमीन। दुआ कर बहन। भाई लेकिन हज करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अरे दूल्हा भाई कैसी बातें करते हो, मैं दिन रात जो मेहनत कर रहा हूँ किस लिए? मैंने दिन भर मेहनत कर करके ना पूरे 25,000 जमा कर लिए। रखे कहाँ? दूल्हा भाई तेरा तेरा भैया लाड कैसे कर रहे? दूल्हा भाई इकलौता जो है। हाँ सुसर जितना साला है मेरा। कैसी बातें करते हो? चलो अल्लाह तुझे ले जा भाई, हमारी से दुआ है, मगर वहां से वापसी में मेरे लिए डब्बू लेके आई हो। कौन मामू? अरे कौन मामू? मामू बोल मामू। तो ये क्या तेरी फुप्पो खड़ी हुई है? यहाँ आके बोल टाइमिंग से। मामू जी आप हज पे जा रहे हैं? हाँ बेटा। मामू जी मेरे लिए वहाँ से 2 सूट, 1 चादर, 1 सेट, 1 घड़ी और चूड़ियाँ और बहुत सी चीजें ले आना। वो हज पे जा रहा है, स्मगलिंग करने नहीं जा रहा, इतनी सारी चीजें मंगवा रही है उसको तो कस्टम वाले पकड़ लेंगे। बस बिटिया मेरे लिए दुआ कर, तू जितनी चीजें कहेगी मैं उससे दुगनी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। अच्छा ये बता खाने में क्या है? हाँ खाना तो तैयार है। बस तो जल्दी से, बड़ी जोर की भूख लगी है। आ गया ना मतलब पे, बहन के घर नहीं है, मलबारी के होटल पे है।
खाने इसको है ना रोटी पे सालन डाल के दीजियो, बड़ा वाला पतीला गया हुआ पड़ोस में, ये मुंह डाल के खाता नहीं। हूं हूं दुल्ला भाई, हाय हाय हाय, पत्थर जैसा जैसा मैं इसमें चूटियां भी नहीं भर सकता। रोशनी भाभी अपने आप को बहुत होशियार समझती है, होशियार तो मैं भी बहुत हूँ, पर सोचती हूँ किसी तरह मेरी गुलाम बन जाए। शकीला, शकीला, मनुष यहाँ ही आ रही है। शकीला तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। आप मुझे सारे घर में तलाश क्यों कर रही हैं? वो दरअसल कुछ मैले कपड़े धोने, मेरे जूते पॉलिश करने और एक सूट है वो इस्त्री करना है। ये सब काम मैं करूँ? हाँ, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, ठीक है जल्दी कर दो। अभी करती हूँ कपड़ा इस्त्री। भाई बेगम तुमसे कितनी दफा कहा है सुबह उठते ही मेकअप कर लिया करो, सुबह भी मेरी चीख निकल गई थी। क्या क्या कह रहे हो? नहीं वो सुबह तुमने मेरी बेइज्जती की थी। नहीं तो करो ना भाई, वो शौहर ही क्या जिसकी बेइज्जती ना हो। कैसी बातें कर रहे हो, कोई कयामत तो नहीं आ गई? कयामत नहीं, तुम आ गई ना। मुझे नहीं पता, बस मुझे आज सूरत में जाना है। कहाँ जाना है? मरी। मरी क्यों जाओगी? बर्फ देखने। बर्फ देखोगी? मैं अभी जाता हूँ गोले गंडे वाले से बर्फ लेके आता हूँ, तुम देख लेना मैं खा लूंगा। तुम मेरे दिल से ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, कैसे मार दो? ऐसे मार दो, तभी तो फलस्तीन आजाद नहीं हो रहा है। तो फिर वादा क्यों किया था? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए पागल। ये बात है ना, मैं जा रही हूँ अपने मैं के। अम्मी पता नहीं तुझे देखता मामता क्यों जाग जाती है अंदर से। ऐसी बात नहीं बेगम, पता है क्या, मैं तुम्हें चीचू की मलिया ले जाऊंगा। ये कहाँ है? ये लंदन में ब्रेड फ्रोड के पास, बर्मिंगम चिंगम। क्या? वहाँ बीच में ना चीचू की मलिया, अंग्रेजी मुलुक है। अंग्रेजी अंग्रेजी में समझाओ। हाँ। सुनो स्पेलिंग करके बताता हूँ, C H C K A जब की चीचू की, M L साकिन आए खड़ा जब आ चीचू की मलिया। ये कैसी इंग्लिश है? मेरी अपनी है, मैं किसी की नकल तो नहीं करता। मेरी अंग्रेजी सुन के तो अंग्रेज बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे लेके चलोगे ना? हाँ, लेकिन एक बात तो ध्यान में रखा करो ना। क्या? कभी मैं भी रूठूं तो मुझे ही मना लिया करो, मैं भी तुम्हारा आखिर एक शहर हूँ। हाँ ठीक है। मना लोगे कभी भी रूठूं? हाँ। मिसाल के तौर पे मैं तुमसे रूठ रहा हूँ, तुम मुझे मनाना। भाई बहन कहाँ गई? पता नहीं। भाभी 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 भाभी, तू क्या दोगा पहाड़ा पड़ रही है? भाभी भाभी जब आपका सूट है ना बहुत प्यारा है। भाभी जब आपका सूट है कितना प्यारा है, 5,000 का लेके दे तो मेरी माँ ने। हाँ, बीन बजाना तो यूं ही होता है। हाय अल्लाह, वो सूट कितना प्यारा है। बहुत प्यारा, वो मुझसे जल गया। अच्छा चल। क्या हाय कमबख्त मारी, मैंने तक कितने सूट चला दिया। जल गया, बर्नर लगाइए। कट गया, बर्नर लगाइए। क्या बकवास है, कीड़े ने काटा, बर्नर लगाइए। मैंने तुम्हें कब काटा भाई? क्या शकीला भाई, हम तुम्हें और ला देंगे। जाओ, मुझे कह रहा अपनी बहन से नहीं कहते। मैं तो पहले कहती थी इस घर मेरी कोई कदर नहीं है। अगर कदर नहीं होती तो 80,000 रुपए की रकम लगा दी। भैया 80,000 की अच्छी जगह लगाते हैं तो इस जैसी दो मिल जाती। शकीला इस किस्म का मशवरा दे रही है, वो भी अब? क्या बकवास है, कान खोल के सुन लो भाभी, मैं कोई नौकरानी नहीं, और हाँ अपना काम आप खुद करें। हाँ हाँ नौकरानी तो मैं हूँ, मैंने भी किससे शादी कर ली। क्यों तेरी नजर किल्टन पे थी क्या? इस घर में आने से बेहतर था मुझे मौत आ गई होती। कई दफा आई तुम ही नहीं मिली। मैं क्यों मारूं, मारे मेरे दुश्मन, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। वैसे भी बहुत इज्जत कर ली आपकी, पर ना क्या कर लेती मेरा, तो तू क्या करेगी मेरा। अरे चल गायन कहेगी, अरे चल चुड़ैल कहेगी। सुनो गुलाम, मुझे रखना तो इन्हें छोड़ो, इन्हें रखना तो मुझे छोड़ो। अब मैं इतना छोड़ू भी नहीं हूँ, तुमने तो आते ही छोड़म छाड़ी शुरू कर दी। मैं तुम्हें छोड़ दूँ तुम कर्जे की रकम आ। मुझे नहीं पता। हाँ, अब तो ये बीवी अच्छी हो गई और हम लोग बुरे मनुष्य चुड़ैल पता नहीं कहाँ। अरे चल गाय आगे, अरे तू चल डाइन भूतनी कहेगी, भूतनी तू चल तेरा पिछले हल मुई कहेगी चुड़ैल।
हलीमा हलीमा लग रहा है नई पिच पे मैच शुरू हो गया। पता करो क्या स्कोर हुआ है? एक मिनट, ओ कमीने रेफरी, ये क्या तुम पूंछ से मक्खी हटा रहा है? क्या स्कोर हुआ है? स्कोर क्या खाक होगा, मैच में ही गंद हो गई, फील्डिंग सही नहीं कर रही भाई। हलीमा लग रहा है तेरा बेटा पहले ही ओवर में किक आउट हुआ है। ऐसी बात नहीं अब्बा, टीम तो मेरे फेवर में, खिलाड़ी ऑर्डर में नहीं है, वरना इतने स्कोर खोलूं मदरसा खोल लूं। पता तो चले झगड़ा किस बात का है, इसने मेरा इतना कितनी सूट जला दिया है। अच्छा सूट जल गया है, चलो कोई बात नहीं। क्या मेरा इतना कीमती सूट जल गया, आपके तो कोई बात ही नहीं। इतना कीमती था क्या, लतीफे सुनाता था? अब्बा भैया ने ना भाभी के साथ मिलके मुझे डांटा। Once more. तूने उस बहन को डांटा जो तुझसे इतना प्यार करती है? पूनम, तूने मेरी बेटी को डांटा? हे तू सियाना है अब्बा, तुझे नहीं खेलना था भाई। गुलाम, आज तक तू हमारा गुलाम था, लेकिन आज के बाद तू बीवी का गुलाम हो गया। तेरा नाम आपको गुलाम का है? मेरा नाम है गुलामुद्दीन। गुलाम, मेरे घर पैदा होने से बेहतर था कि तू ताश की गति में पैदा हो जाता। क्या फायदा, जीतने वाला तो खुश होता, जो हारता हुआ कहता लानती तेरे से आ रहा हूं तेरे से। रोशनी बहू, जैसे मैं शकीला की माँ हूँ ऐसे तेरी भी माँ हूँ बेटा। ऐसे तेरी माँ हूँ, तुम बहन बना दो, तुम करवाओगी नुकसान। तू समझा नहीं है बेटे वो क्या कहना चाह रही है। उसका मतलब है कि असल बेटियां तो ये हैं, वो तो बेचारी बेगानी अमानत है बेटे। बस कर अब्बा अपने तकरीर बंद कर, और सुन शकीला, आज के बाद तूने मेरी बीवी से उल्टी सीधी बात की ना, फिर तू देखियो। चल शकीला चल, आज से तेरा ये भाई भाई नहीं रहा, चल। खुश रहे बेटा। वो तो रहूंगा इंशाल्लाह। हम तो माँ बाप हैं, तुझे दुआई दे सकते हैं। मैं तुझे दुआ देता हूँ, तुम जियो हजारों साल, हर साल की उम्र हो 50 बरस, तू रुल रुल के मरे। जब ही मैं कहूँ मेरा अब्बा इतना सीधा कैसे हो गया। सुनो गुलाम, अब हमें अलहदा जाना चाहिए। शादी को 1.5 महीना हो गया, अलहदगी मांग रही हो? तुमसे कौन कह रहा है? फिर तुम्हारे माँ बाप से कह रही हूँ मैं। क्यों भाई? मुझसे रोज के झगड़े नहीं लड़ जाते अब। अच्छा फिर एक दिन तुम लड़ लेना, एक दिन मैं लड़ूंगा। देखो हमें अपने पैरों पे खड़ा जाना चाहिए। अब हम क्या ईंटों पे खड़े हुए हैं? हमारे क्या व्हील कैप खुले हुए हैं? बकवास मत करो, तुम दरवाजा बंद करो। जो मैं कह रही हूँ वही सुनो बस। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई सुनो। हाँ जी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कब चाय लेकर आओ? सर में दर्द हो रहा? हाँ। ओ मेरा बच्चा। क्या? तो एक दफा में क्या होता है, आदमी को अंदर से बेकार होना चाहिए। अच्छा चलो जो मैं चाय पिएगा। हाँ। सर में दर्द हो रहा? हाँ। मैं अभी गोली लेके आता हूँ रिवॉल्वर की। क्या? निविल जीन की। जल्दी लेकर आओ। चाय पिए मुझे मुझे पूछे भैया ये भैया ये भैया। मैंने भी इस घर के 2 टुकड़े ना करवाए तो मेरा नाम भी रोशनी नहीं। जब नहीं सब दुआ मांग रहे थे, तुम्हारा अब्बा थड़े हुए थे, मैंने उन तो देखा उनका नाड़ा लेता तेरा, मैंने और खींच दिया, जेब से माचिस निकाली, आग लगा दी। आज जो लगाई है सबने देखा, सारे लोग उसमें से सिगरेट सुलझा सुलझाते। मुझे याद आया तुमने मेरे थालू के साथ बदतमीजी की थी ना? नहीं तुम्हारे थालू से बोल तो ही बदतमीजी नहीं थी, तुम्हारे थालू ने खुद बदतमीजी भी थी। क्या? अब तुम खुद बताओ, आदमी मर्दों में छुआरे इसलिए बांटता है तो औरतों में भी बांटने पड़ेंगे। हाँ। अब मैं औरतों में तंबू में बांटने जा रहा था छुआरे, तुम्हारे थालू ने रोक दिया, नहीं तो तल औरतों में मैं बांटूंगा।
मैंने कहा तुम बांट लो। अबे तुम्हारे थालू बहुत पुराने ताड़ू है, ईमान से छाट छाटते बुढ़ियों तो छे छे छुआरे दे रहे। अच्छा बस बहुत होने बकवास, चलो चाय। चाय गल गई। गल गई? पता नहीं पिघल गई। क्या कह रहे हो? पक गई, पक गई। अभी मैं आया ना इधर से, तो मेरा इस्तेमाल तुत्तों ने दिया, तो जाहिर है तो उनका चेयरमैन है, वही करेंगे। सुनो गुलाम, इसे निकालो, कौन है यहाँ पे आया है? कौन निकाल सकता है इधर से? मेरे को मेरे दोस्त का डर है, मेरी मर्जी जब चाहे आऊं जाऊं, कौन रोक सकता है मुझे? इसे कोई नहीं रोक सकता, ये महंगाई है। हाँ, जिसे हमारे कुत्ते रोके उसे हम क्या रोके? सुन रहे कुत्ते? हाँ भाई। अब जो इज्जत रहते ये मेरी घर में, अब पहले मैं आता था इस घर में, तू मुझे देखता है, अब बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला तरता था, अब तो नमस्ते भी नहीं तर रिया। एक महीने में क्या हमने मजहब बदल लिया? मनहूस मजहब बदल लिया। निकालते क्यों नहीं इसको? निकालो। अबे यार दे दो, जब से ये अपने अब्बा की वजह से दब रही है, इस अब्बा थूत चिरान दे, उसने शुरू से दंती तो मैंने दंती। अब तू थूत बता, तू थूत बता, अपने दिमाग से बता, तो ही बाप अपनी बेटी की शादी में थूत पैसे लूटता है? इसका अब्बा था? ओए मैंने दो दफा टंगड़ी मारी थी उसको। तूने टंगड़ी मारी थी? मैं समझा मैं पैसे लूटने पे पिट रहा हूँ। क्या बात हो रही है? पैसे मुल्क के हालात पे बात हो रही है। अबे यार ये तो बहुत सब चिरानी है यार, देखो मेरे को जा यार, कैसे जाऊं? बाहर कुत्ते हैं। तो बाहर कुत्ते, अंदर ये, बाहर कुत्ते अंदर काफ वाला कुत्ता है, जा बजरी उठाई ये तंबू में। तू था मनुष्य, मेरे ही प्लेट में आके गिरा सारा बजरी। तो मैं क्या करूँ, तू तू नहीं मेरे तो लेते दिया जा। मैं अपना नाम ही बदल लूंगा, आज से मेरा नाम है खटमंडू। बेटा अपना नाम बदल लेना, लेकिन वल्दियत में मेरा नाम रहने देना, क्योंकि तुझे बीवियां तो बहुत मिल जाएंगी लेकिन माँ बाप तुझे कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। अरे अब्बा रहने दो, अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के माँ बाप मर गए थे एक्सीडेंट में, पूरा मोहल्ला आ गया, हम तुम्हारी अम्मी है, हम तुम्हारे अब्बू, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कल उसकी बीवी मरी, कोई नहीं आया, अकेले ही रो रहे। मैंने जाकर तसल्ली दी, मैंने कहा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अपना पकाओ ते अपना खाओ। अपा जान, हम आपसे अलैदा होना चाहते हैं। ये तुमने क्या कह दिया बहू? मेरे साथ जवान बेटी का साथ है तो मेरे साथ जवान बीवी का साथ है, मैं क्या करूं? शाबाश बेटा शाबाश, इस दिन के लिए माँ बाप अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगते हैं कि वो बड़ी होकर कह दे कि मैं क्या करूं उस माँ से। अरे जब तू छोटा सा था ना, तुझे बुखार आता था तो तेरे सिराने रात को जाग जाग के गुजार देती थी और अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को कुछ ना हो। उस बाप से कह रहा है तू, जो तुम्हारी पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, बारिश में मजदूरी करता रहा, धूप में मजदूरी करता रहा, तू उससे कह रहा है बेटा जरा ठंडे दिल से सोच, अपनी बीवी के जेवर मुझे दे दे, मैं बूढ़ा कर्जा उतार दूंगा। बेटा खबर दा जो निकाल उठा के मेरे जेवर की तरफ देखा तो तेरे बाप के जेवर नहीं है, चल उतार। शर्म कर बेगैरत, अपनी बीवी से माँ की बेइज्जती करवा रहा। कोई और है नहीं तो क्या करूं? अल्लाह करे तू मरे, अल्लाह करे तू मरे, अल्लाह करे तू बेवा हो, अल्लाह करे तू बेवा हो। दोनों तरफ से तेरा ही नुकसान हो रहा है, एक तरफ मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ वो निकल रहा है। अम्बा नुकसान नफे को छोड़, चल अम्मा आगे हो, चल रोशनी फैल जाओ। चल अलीमा, तूने भी जवानी में बड़ा असली घी खाया, लोड शेडिंग बनकर रोशनी को मध्यम कर दे। छू अरे चल, जेवर पकड़, जेवर 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 बाल नहीं जेवर बाल बचा। तुम्हारी बीवी ने अगर मेरी बीवी के बाल पकड़े,
और खुदा ना खास्ता वो गंजी हो गई अब्बा। पूरा मोहल्ला मुझे कह रहा होगा टकली का मियां बे, टकली का मियां। जेवर तो तुम्हारा बाप भी देगा। बाप तो मैं हूँ। अच्छा खासा मोहल्ले में मेरी सेटिंग चल रही थी, लेके शादी करा दी। सुनते हो? क्या है? क्यों टहल रहे हो? निहारी खाई हजम कर रहा हूँ। तुम भी दूर खड़े तमाचा देखते हैं, कहना वो करीब आके छुड़ाई देते। करीब आके छुड़ाई देते थे, मैच ही मैंने शुरू कराया था। तुझे अकेले में इतने दाव पे सिखाए, सब मेरे पे आजमाती, अम्मा से हार गई। मैं अपने जख्मों पे क्या लगाऊं? नमक। क्या? मरहम मरहम। मुझे मेरी माँ ने कभी नहीं मारा इतना। तेरी माँ ने सिर्फ पैसे मारे लोगों के। सुन लो, मैं तुम्हारे घर मार खाने नहीं आई हूँ। तो क्या करेले गोश्त खाने आई है? बहुत इज्जत की तुम्हारे माँ बाप की मैंने। ये इज्जत है? ए लमिया, अगर ये इज्जत है तो इसको इसी किस्म की इज्जत देना माबू। ये क्या किया? बनियान फटी हुई समझा कर। चल अच्छा होगा। आया सोने में सोने सोने सोने। चल गुस्सा थूक दे। और ये देख, मैं माँ की तरफ से माफी मांग रहा हूँ। देख बस यहाँ तक, मच्छर बहुत है भाई। मच्छर मारने के लिए टाइफून डालिए भाईजान, इंशाल्लाह खात्मा ही खात्मा। तू क्या पब्लिसिटी वालों की तरह से आती है? कभी बर्नौल लेके आ जाएगी, कभी मच्छर मारने की जलेबी लेके आ जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू देख रही है कि एक शौहर अपनी बीवी से माफी, मेरा मतलब है एक बीवी अपने शौहर से माफी मांग रही है। क्या मतलब है? कोई मांग के चला भी गया, तू आ भाई। मैं आई थी क्या के खाना खा लो। अरे जाओ, हम इतने गिरे पड़ेंगे तुम्हारे घर की रोटी खाएंगे। हाँ हमने चावल शुरू कर दी है। क्या भाभी, झगड़ा अम्मा के साथ हुआ है, खाने से मुंह क्यों मोड़ती हो? भूखी मर जाओगी। चल चल जा, इसने भूख हड़ताल की हुई। जा सौ दफा करे भूख हड़ताल, इनकी भूख हड़ताल से कौन से मुल्क का ठीक हो जाएंगे? जा ट्रैफिक बंद हो जाएगी। ट्रैफिक बंद हो ना हो, एक ड्राइवर तो इसके साथ है। अरे मैं तो पहले कहती थी इस घर में मेरा किसी को ख्याल नहीं है, जा रही हूँ अपने महके में। गोद में आऊँ, पता नहीं तुझे देख के मामता क्यों जाग जाती है मेरी। ऐसी बात ही नहीं करो, मेरा कौन है जो मेरी तो तमन्ना थी मरकर तुम्हारे कंधों पर जाती। हमें तो सूली पे चढ़ जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। मुझे तो होगा, मैं रंडवा हो जाऊंगा। अभी शादी को 1.5 महीना हुआ, देखा ही क्या मैंने। अम्मा के साथ मुकाबला, हाय अब मैं क्या करूं? दूसरे मुकाबले की तैयारी। कैसा आइडिया? मुझे बताओ, खाना यहाँ खाना के अंदर? यही ले आओ, मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। टाउन की बीमारी फैलाने के बाद नाचना भी शुरू कर दिया। खुशी के मारे आज हमारी बिल्ली को मार जो पड़ी है। जबान को संभाल के रखो, कुत्ती से खींच लूंगी। इसीलिए कहती हूँ पुराने लोगों से पंगा ना लो, नए 9 दिन पुराने 100 दिन। चले जाओ मामू की शक्ल वाली। जा रही हूँ गुलाम भैया। तुम्हें गुलाम कहा है? मेरा नाम है। अच्छा छोड़ो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबाओ। मैं पैर दबाऊं? क्या? मैं ही दबाऊंगा। तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा, मैं ही दबाऊंगा। चलो बीवी का खिदमत करो, इसी में सबकी जन्नत है। सब घर की यही कहानी है। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी छाँव, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी छाँव, छचूंदर के हाथों में चमेली के पाँव। आ भाई युगंडा के शहर। वाह 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 भाई, अबे जिन्होंने कभी माँ के पाँव नहीं दबाए वो आज बीवी के पाँव दबा रहे। वाह 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 वाह। मामू ऐसी बात ना करो, मेरी बीवी है, मैच खेल के बैठी है, मेरा फर्ज बनता है मैं उसकी खिदमत करूं। अच्छा, अबे लानत है तुझ पर। अबे जिस माँ ने तुझे पैदा किया, इस काबिल किया, कभी तूने उसके पांव दबाए? तेरा बूढ़ा बाप दिन भर मेहनत मजदूरी कर शाम को थका हुआ घर लौटा, कभी तूने उसके पांव दबाए? कभी नहीं दबाए। अबे औरत की क्या शक्ल देख ली, सबको भूल गया, सबको भूल गया। तो बंदर क्या जा रहा है अदरक का मजा? दिमाग खराब है तेरा,
दिमाग तेरा खराब है। दिमाग खराब है, मगर मेरी एक बात याद रखना गुलाम, जन्नत बीवी की अदाओं में नहीं, माँ के कदमों में होती है। अबे तूने अपने बूढ़े माँ बाप को तमाम उम्र दुख दिए हैं, तू भी तमाम जिंदगी दुख ही देखेगा गुलाम, तू भी तमाम जिंदगी दुख ही देखेगा, तू भी तमाम जिंदगी दुख देखेगा। इतना तुम्हें गुलाम का है? मेरा नाम है, कोई नाम भी ना ले, मैं क्या खाली हूँ। हाँ कौन आके खाना खा लो, अम्मा खिड़की के रास्ते बाहर गई है। खिड़की के रास्ते? जवानी की आदत ना, आस्ते आस्ते जाएगी। ओए मेरी अम्मी की शादी हुई, इतना मजा आया था। क्या मेरी अम्मी अब्बू की शादी हुई ना, जो दरवाजे में दोनों फंस गए, मेरी तो हंसी निकल गई। तुम्हारी? तुम्हारी? मैं कहाँ था? कहाँ था मैं? तू कहाँ थी? मैं बाहर गली में खेल रही थी। हाँ ये गली में खेल रही थी। तू गली में खेली थी, मैं कहाँ गया हुआ था? काम पे गया हुआ था मैं। खाल में चलो, हम लोग को थे ही नहीं, पागल है। अल्लाह मैं क्या पासा देख रहे थे नीचे। चलो ठीक है, चलो खाना खाए। चलो चलो, तो समझती क्या अपने आप को है? समझती क्या है भाई तू? क्या समझती है? तू रख के किसी दिन तेरा मुंह पे ऐसा चमाट मारो है ना, तेरी तबीयत हिरन कर दूंगा। तू ये दिल भी मेरी जिंद, तुझे कह रहा मनुष्य, तुझे 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 रख के जूता नया वाला तेरे सर पे टिका के मारूंगा। यार ना मरती क्यों नहीं है तू? मर, मेरी जिंदगी फेंक के मरू, फेंक के फेंक के। मैं टिका के तेरे सर पे ना ऐसा तेरी चुटिया मारूंगा, चुटिया। फंस गए, फंस गए। माँ तो लोग मोहल्ले में बीबी थी कहते थे। अबे हाँ ये झूठी है, झूठी झूठ बोलती थी। हम दुलचन इतवाल में रहते हैं ये। हाँ? मैंने तो जानता हूँ, शुरू से तीन अट्टी थी जुद्दियों में रहती थी। तुम भी वही रहते हो? तू ऐसी बातें करती, मैं तो बचपन से। अब मजा आ गया, आज तो यह भी नहीं, रसम भी है, मोहता भी है, दस्तूरी भी है। चल लिए या तू बाईते होटल पे डिश एंटीना पे पश्तो फिल्म देखने। तू 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 आंखें बंद करते दे, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। ये अपनी बकवास बंद करो। तू तो प्यार मोहब्बत की तेरे बातें ही उधर अपने अब्बा। अच्छा? को बुला, उन्होंने बॉन्ड मंगाया था, ये देने आया था। बॉन्ड देने आए थे? हां बॉन्ड देने। अरशद तुम कितने प्यारे हो। ए पति पति, इतने प्यारे अल्लाह को नहीं हो सकते? अबे तू दौड़तंती लड़ती है, तब्रुस्तान की आबादी बढ़वा रही है, जाहिल। पता है मैं तुम्हें अपने दिल में प्यार करती है, गालियां देती हूँ। अबे ये तो गालियां भी देने लगी, तो इसने तल परसों में तौबी असेंबली थी कार्रवाई तो नहीं देख ली? अबे पता मैं अपने दिल में तुझे इतना प्यार करता हूँ, छोटी बहन समझ के। ये बात बता, क्या आज तूने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? कुछ भी नहीं। अबे तू ये बहन क्यों बोल रही है? शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। ईमान से आ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो तू बड़ी बनी सजरी है, गोटा तिनारी। ईमान से बिल्कुल ऐसे लेते रहिए जैसे तसाइयों थी डब्लू दियारा। मना दिया तू रजिया से टपड़े मानते ना पहना कर, अभी वो मेरे तो बोल ले दे, वो टपड़े ले दिए, मेरे देवर ले दिए, जाओ तो वापिस तर।
अच्छा तो वो नहीं लेके जाती? वो नहीं ले... अबे यार आज तुझे देते दाना याद आ रहा है। कौन सा? इन तपड़ों में। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बनता जोश जोश, नहीं तेरा नहीं तेरा तो ही दोष दोष, मत होश है तू हर वक्त वक्त, चीज पड़ी है मस्त मस्त। सुनो, तुम लड़कों को लड़कियों को देख के हमेशा गाना भी याद आता है, इसलिए तो तुम तवालियों पे सेट ही नहीं होती हो। और हम लड़ते तो दाने ऐसे चल रहे थे दाते, इतने इतने से बच्चे दाते, जो इंडिया से दाने आ रहे हैं वो सब दाते हैं। और तो बच्चे तो ही बीमारी निकल जाए ना, वो डॉक्टर तो दिखाने भी जाया था तो वो दाते ही बताता है, ए दाने पे दाना, दाने पे दाना, इधर भी दाना, उधर भी दाना, इधर भी दाना, दाने पर दाना। पता है क्या, मैं अकेले में बैठ के मेरे बारे में सोचिए, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, इतना। सर पे 10 जूतियां पड़े ना तो सब लड़कियां मां पे नजर आएंगी। अरे जो फिर रिमाइंड हो गई, अबे ये कैसी बातें कर रही है, मैं 6 फुट का मुंडा हूँ, मेरे में किस चीज की कमी है, तूने आज 6 फुट के मुंडे तो नाराज कर दिया, मना सकती है तो मना ले। आज तूने मेरे दिल की बात की है, मैं तुझे यही बात समझाता हूँ, तू मेरे साथ मोहब्बत कर, प्यार कर, इस 5 टाइम की नमाज पढ़ा कर, रोजे रखा कर। बेटी तू जरा अंदर जा, मैं इसे नमाज पढ़वाता हूँ। ये कौन सा महीना है रमजान का भाई? ये बच्ची तो समझा रहा था, बच्ची तो बच्ची समझियो। अरे अचानक अस्सलाम वालेकुम थालो ईद मुबारक। अबे कहाँ से ईद आ गई, तेरी पूरे साल ईद चलती है क्या? हम लोग तेरे तुतल आदमी है, रोज ईद होती है। और सुना तालू? खालू बोला कर बे। वही तो बोलता हूँ तालू। अबे खालू बोला कर। अरे यार बचपन से बोलता आ रहा हूँ तालू। तेरा तालू तो खराब है, हमारा तालू क्यों खराब कर रहा? खे वाला खालू बोल, खे वाला खालू। वही तो बोल रहा हूँ, खे वाला तालू। खे अपनी जगह पे, तालू फिर भी है। या तो तालू पसंद नहीं है, मामू तैलिया करूँ? ये रिस्क मैं नहीं लूंगा भाई। तो तालू बर्दाश्त करो, ताला तो बर्दाश्त करती है, ताला तो ताला। मेरी अच्छी खासी बीवी को ताला ताला कह रहा है पूरा 1000 रुपए का लाया, सारे नंबर दिन लो, बाद में नहीं बोलना ये तात नंबर कम हो दिया। अबे इसमें नंबर कैसे कम होंगे? नहीं हो जाते ना, घिस जाते, फटीत पड़ जाते भाई, फटीत पड़ जाती। बेटे बात सुन। जी चालू। तू तो मेरे बेटे गुलाम का बहुत अच्छा दोस्त है ना? बचपन तक लंडोटिया यार हूँ। तू एक काम कर, उसे समझा। अरे उतना समझाओ, उस बेवतूफ की औलाद तो छोड़ो। फिर भी क्या किया सुन? बेटे उसे समझा यार, वो हर बात जो है ना बीवी की मानता है, अपनी कोई बात नहीं मनवाता। तू देखना एक दिन सर पर हाथ रख के रोएगा। मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या? आओ भाई। अबे ये मेरी आंखें क्या देख रही है गुलाम? अबे बाप तो बोल रहा मैं रोऊं हंसूं, तू देखता। अबे तुझे कितनी मर्तबा था, तेरे तो माँ बाप थे तो शिकायत है, मुझसे थे मैं किस लिए हूं? ए भरम में आ दिया, भरम में आ दिया। और तू बाप तो ऐसा बोलता है पागल थे बच्चे। उसको समझा, मुझे बीच में क्यों ला रहा है? मैं तब बीच में आऊंगा तो बोल रहा हूँ पागल थे बच्चे। अबे तो पागल कौन हुआ फिर, ये तो खुद बच खुद हुए ना। बेटा उसको समझा प्यार से। मैं समझा रहा हूँ, तुम नहीं बोलो, मैं उसी। अबे समझ जा जाहिल की औलाद। मैं कह रहा हूँ उसे समझा, बार बार मुझे ही ला रहा है। अबे तुम्हें तब ला रहा हूँ मैं तो। ये जाहिल कौन हुआ फिर, ये तो अल्लाह की तरफ से हुए ना। मैंने तुम्हें दूज लिया। बेटे मुझे बार बार नाला, मैं क्या चोरंगी पे खड़ा हूँ बार बार? मैं यार ये तुम तू बोले मैं उस तो दावा समझता चुनिया धदेती आला। ओ ये देख तुझे समझाना ही नहीं है भाई, रहने दे। अबे मैं उस तो बोला तुम अपना पंदा बिलाओ जा रहा हो तो नहीं बोल।
सुना अब्बा, हाँ। हम तुमसे अलग हो रहे हैं। ये तू क्या कह रहा है बेटे? हलीमा, अरे शकीला की माँ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अंदर तो आ। क्या? देख देख तेरा बेटा क्या कह रहा है। मुझे मुसीबत में अकेला छोड़कर मुझसे अलहदा हो रहा है। ये क्या हो गया तुझे मेरे लाल? मैं किसी का लाल, पीला, नीला, उदा, जामनी कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बीवी का बेटा हूँ। क्या? एक दफा में कुछ नहीं होता, चल बेटा। मैं अपनी बीवी का शौहर हूँ बस। बेटा बेटा जरा ठंडे दिल से सोच, मैं बूढ़ा किस तरह कर्जा उतारूंगा बेटे? ये आपका मामला है, आप निपटो। रहने दो गुलाम के अब्बा। मत कह मुझे इसका बाप। आज से ना ये मेरा बेटा है और ना मैं इसका बाप हूँ। ठीक है, मैं भी समझूंगा मेरे कोई वालदेन नहीं है, मैं साइंस की इजाद हूँ। बहुत शाबाश है गुलाम तेरी हिम्मत पे। माँ बाप के सामने बोलना मैं साइंस की औलाद हूँ, नेस्ती की औलाद। मैं ठीक है बेटा, अगर तू तू अगर हमसे अलहदा होना चाहता है तो तेरी मर्जी है। सोना बेगम, जाओ वो जो इंतजाम किया वो पूरा करो। अभी बेटे, लाई। बेटे तू यहाँ खुश, हम यहाँ खुश। हम अगर भूखे भी मर रहे होंगे तो तुझसे पानी नहीं मांगेंगे, और याद रखना हम अगर प्यासे भी मर रहे होंगे तो तुझसे पानी नहीं मांगेंगे, रोटी नहीं मांगेंगे तुझसे। नहीं, नहीं। घर का बंटवारा कर दिया है, वो हिस्सा आपका, ये हिस्सा हमारा। इधर की सारी बुरी चीज उधर जा। ये तुमने क्या कर दिया बहू? इस चमन के दो हिस्से कर दिए जिसे मैंने अपने खून से सींचा था। इस घर के अंदर दरार डाल दी तुमने। अरे चूल्हे तो अलग होने चाहिए लेकिन दिलों को अलग नहीं होना चाहिए बहू। ये तुमने आज इस घर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया बहू। वहां मेरे मौला, वो मेरे मौला थे, तेरे भी खेल निराले परवरदिगार, तेरे भी खेल निराले। मैं क्यों होने लगा परेशान? मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की? तू तो होने लगा परेशान, तू तो हो जा। तुझे बीवी जो मिल रही है उतने देने में आ जा। माँ बाप तो तूने निकाल दिया, माँ दोनों तो उतार दिया। तूने तो माँ तो भी तुझे नहीं जाना, तू माती अदबत तो नहीं जानता पतले, तू तो माती मोहब्बत तो भी नहीं पहचानता। माँ जितना प्यार तो ही दे सकती है। तू तो पढ़ा लिखा है, हिसाब लगा दे देख ले। माँ का प्यार सबोते प्यार से 9 महीना ज्यादा होता है। और तूने उस माँ तो भी दुतार दिया चुड़ैलती औलाद। सुनो, हाँ। तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे ना? अब भी शक है?
गले में पट्टा डाल दे, एक दुम लगवा दे बस। जल्दी कर दूंगी। क्या तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना करूं? हाँ, इस ख्वाहिश में बड़ी जल्दी नजर पड़ गई तेरी। क्या बात है, आज बहुत खामोश खामोश हो मुरीद साहब। मुरीद कौन यार? नाम लेने से तेरी बीवी नाराज होती है ना, इसलिए हमने तेरा नाम मुरीद रख दिया। आपको मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या कोई नया नाम रख लिया? कुछ भी नहीं रखा है, तुम अपने आप को वहां जाके रखो, चलो जाओ यहाँ से। हमने इस घर का बंटवारा कर दिया है। बंटवारा? वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो डर था तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू क्या समझता है, तू उनका सहारा है? अरे जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और जिनका खुदा होता है ना वो दुनिया वालों से नहीं डरते, गुलाम नहीं डरते। ये तकरीर अपने इलाके में जाके कर, इस जमीन पे मत आना, जा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये तेरी जमीन का टुकड़ा है ना, इसलिए तू हमें धक्के दे रहा है, मगर उसकी जमीन बहुत बड़ी है। जिस दिन तेरी ये जमीन तंग होगी ना, उस दिन हम तुझसे पूछेंगे तू कहां जाएगा? छत पे। ये तो वक्त बताएगा बच्चे के तू कहां जाएगा। बस करो, रहने दो ये तकरीर। हमें पता है तुम में कितनी गैरत है, बगैरत बन के बहन के दर पे बैठे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? सही कह रही है बहू, बिल्कुल सही कह रही है। ससुराल में दामाद कुत्ता, बहन के यहां भाई कुत्ता, पर ये कुत्ता तेरे शोहर से ज्यादा वफादार है बहू, ज्यादा वफादार है। अरे जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा? जान ये भी कह रहे थे। नहीं, 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 नहीं। चलो आओ अंदर, चलो। हाँ चलो, चलो अंदर चल के बातें करते आओ। अल्लाह अल्लाह बेगम, शादी में कितना मजा आया था, तुम्हारे मामू की पत्तीसी मैंने छुपा दी थी। बहुत मजा आया। वंशे तुम्हारे तो मामू की पत्तीसी में भी कीड़े पड़े हैं भाई। घर में माँ बीमार है और इसका मजाक सूझ रही है। ये क्या करो, मेरा सिक्का मुझे दो। क्या? तेरी माँ की तबीयत कैसी है बेटा? बुखार नहीं उतर रहा अब्बा। देखो बेगम, मैंने सुबह से तुम्हारी तीन जुएं निकाली हैं। ये लोग कब से शोर कर रहे हैं? अब्बा सुबह से लगे हुए हैं, मैंने मना किया तो लड़ने लगे। और लीक लीक लीक। क्या? मैं जाके समझाता हूँ इसको। छोड़ो अब्बा, कीचड़ में पत्थर मारने से अपने ही कपड़े गंदे होंगे। ठीक कह रही है बेटी, तू खाना दे दे मुझे। खाना कहाँ है, आपने पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। मैं भी कहाँ से लाऊं पैसे, समझ में नहीं आता। सूदखोर कहता है कि इस आधे टुकड़े को बेचो और मुझे मेरे पैसे दो, मेरी समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? दूल्हा भाई, पैसों की फिक्र मत करो दूल्हा भाई, अभी तुम्हारा साला जिंदा है। ये लो पूरे 25,000 रुपए, अपना कर्जा उतार दो। ये ले बेटी, बाजार से खाने पीने के लिए कुछ मंगा ले। अच्छा, तूने मुझे 25,000 दे दिए? अरे दूल्हा भाई, एक बेटा तो अपनी माँ से बदल सकता है, मगर एक भाई नहीं बदल सकता। ये रकम मैंने थोड़ी थोड़ी कर हद पे जाने के लिए जमा की थी, शायद मेरे नसीब में हज नहीं, मैंने अपनी बहन का घर बचा लिया, यही मेरा हज है दूल्हा भाई, यही मेरा हज है। तूने मुझे 25,000 देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तू आज से मेरा साला नहीं है, तू मेरा भाई है दूल्हा भाई। शकीला बेटा जी, बहन की कैसी तबीयत है? मामू जी बुखार नहीं उतर रहा। चल भाई बहन को देखते हैं। आ जा, आ बेटी।
रोशनी, जिस तरह तूने हमें बर्बाद किया है अल्लाह तुझे इसी तरह बर्बाद करेगा। भाई बेगम अजीब मुर्गी का टिक्का खिला दिया तुमने। क्यों? खाते बगैरती करने को दिल कर रहा है। दिल करा किसी घर में कूद जाऊं, किसी को छेड़ दूं। क्या कह रहे हो? एक बात समझ में नहीं आई। हाँ? दो टिक्के, एक तुमने खाए एक हमने खाए। हाँ? ये दो फालतू क्यों मंगवाए भाई? तो भाई कुत्ते बिल्ली को डाल दो। अरे तुम्हारे अम्मी अब्बू आए हुए हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रही तुम? मैं कहती बाहर दरवाजे पे जो कुत्ते बिल्ली है ना उन्हें डाल दो, दुआएं देंगे। भैया घर में माँ बीमार है और तुम अय्याशी कर रहे हो। अय्याशी क्या कर रहा, मेरी बीवी है। अपने हाथ में रह के बात करो भैया, चलो यहाँ से। जान। जी जानू। मुझे शॉपिंग करनी है। भीख मांगे कराऊंगा ऐसे क्या? क्या लोगी क्या लोगी? 6 जापानी सूट लूंगी। भैया एक सफेद सूट भी दिला देना, बहुत जल्द काम आएगा। तू क्या समझती है, दफनाने वाला केस है? जलाने वाला है, जलाने वाला। क्या बकवास हो रही है? जलाएंगे तुझे, जलाएंगे। चलें जान। चलो जान, शहजाद साहब की पार्टी में जाना है। शहजाद साहब क्या जाएंगे जहाँ डिम लाइट में एक दूसरे की औरतों के साथ डांस करेंगे। मैं डांस करूंगा, तुम बैठ के देखना। क्यों? एक साथ दोनों बिगड़ गया तो मामला खराब हो जाएगा। मैं क्या करूंगी? तुम रजिया की फुप्पू के साथ बैठना, जो वो सिगरेट पीती रहती है ना, उनके साथ। शरीफ खातून है, सिगरेट बहुत पीती है बस। उनके पास बैठना, मैं डांसूंगा, फिर वहां से चलेंगे अपना अफजाल साहब की पार्टी में, फिर वहां से चलेंगे सुहेल साहब की पार्टी में, फिर आमिर साहब के यहाँ जाएंगे, फिर जाते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। भैया सब जल्द टाइम मिल जाए तो आके अम्मा को देख लेना। बचपन से देखता रहा हूँ, बोर हो गया। सुनो तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, समझी? हाँ। तो गरीब दाल रोटी तो ओहो टिक्का बोटी को देखो। हाँ, टिक्का बोटी। चल चल आ, चल चल अपने हाथ में रख के बात करो। चलो चलो गरीब लोग, चलो तेरे को किसी दिन टिक्का पे लगाऊंगा मैं। भैया क्या पिटना है? पिटना है, चलो बेगम चलो। चल ए, निकल दिया, दिया, निकल दिया। ए, दुला में, दुला में। तो जमीन जरा मरी मुबारी तो इनाम निकल गया, वोट का नंबर तुल दिया। बदरी अब्बा तो बुला, अब्बा तो बुला। क्या तुम्हारी गाय को बछड़ा हुआ है? अरे अब्बा तो बुला। अब्बा को गाय से क्या काम? अरे तुम्हें तो मारो गोली। मैं क्यों मारू गोली? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तू क्या मुझे पल्ली, तुमने तो अमीर हो जाए, बल्ले इनाम दे। अरे तुमने तो 1,000 रुपए 5 लाते मिले ना, 5 लाते। क्या क्या रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पल्ली तुम लोग लखपति होता है, लखपति क्या दूधपति? दूधपति नहीं, तो 2 लाख कुल्फी सब चले दी। लखपति लखपति पतली, ये रणछोड़ लाइन में नहीं लखपति होटल तुम्हारा हुआ। अरे इनाम निकला, तुम लोग 5 लाख का इनाम निकला है। क्या कह रहे हो? 5 लाख रुपए का बॉन्ड का इनाम निकला है। इनाम निकला है हमारा? अरे तेरे मुंह में गुड़ शक्कर। तू ही मेरा दूड़ा, तू ही मेरी सत्तर। अरे बदली अब्बा तो बुला, इनाम निकला। अब्बा तो बुला। अब्बा ये क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर रुक। अरे ताल अबे तुझे जो कुछ भी कहना लिख के दिया कर बे। अरे तालू मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अबे क्यों तेरी खाला को बेवा करने के चक्कर में? अरे नहीं था खुशी का मौका ना, खुशी का मौका। अबे क्या खुशी का मौका भी है, खुशी भी है। अरे तुमने नहीं, तुमने तो मैंने तुम्हें बॉन्ड लाते दिया, मैंने 1,000 रुपए वाला बॉन्ड लाते दिया, मैं भी आते नहीं। तुम लोग तो 5 लाते मिले थे, 5 लाते। मैं तुझे 1 लाख दूंगा, 5 लाते मुझे क्यों मिलेंगी भाई? अरे नहीं समझे नहीं, तुम लोग लखपति होते, लखपति हराम है जो समझ में आया, और सिर्फ यही समझ में आ रहा है लथपथ हो गए, लथपथ हो गए। तुम लोग तो बॉन्ड नाम में मैंने बॉन्ड लाते दिया, तुम लोग तो ऐसे दिलाती 5 गड्डी मिले ले, 5 गड्डी। मुझे 1 गड्डी ला दे, 5 गड्डियां नहीं चाहिए, मैं 1 गड्डी पे बैठ जाऊंगा। तुम समझे नहीं, दे दो
उस दिन मैंने बॉन्ड लाते दिया था ना, बॉन्ड लाते दिया मैंने, मैंने अभी आया था बाहर पड़े हीरे ने मरे नहीं। अबे क्या टुनेरी में कुप्पी पी के आया है? तुम समझे नहीं, तो तसल्ली से सुनो। तो उस दिन तुमने 1000 रुपये मेरा तो दिए ना, 700 रुपये और 300 रुपये बाकी रेजदारी। तो उस दिन तुमने बोला 1000 रुपये का बॉन्ड लिया, छात भाई के पास दिया, उनके पास था नहीं, मैं रफीज भाई के पास दिया, बड़ी मुश्किल से 1000 वाला मिला। मैंने तो 1000 था एती लो, एती में किस्मत आ गया। अभी मैं आ रहा था उस दिन लाते दिया, उस दिन नाच रहे थे तुम्हें लाते दिया था ना, मैं अभी मैं आ रहा था ना, ये मास्टर साहब अखबार पढ़ रहे थे और मैंने ना मास्टर साहब क्या पढ़ लो, चले क्या पढ़ूंगा अखबार में, मौतों की खबर है, मैयतों की खबर है। मैंने ना तो ही तोने ढांचे में दे दो छुसी सी खबर भी हो। इतनी देर में बात कर रहा था, मैंने तोने पर नजर पड़ी, ए तोने में एक चौतोर था, दायरा बना हुआ था, उसमें बहुत सारी गिनती लिखी। मैंने उस्ताद बॉन्ड के नंबर थोले, मैंने अखबार छीना, चश्मा छीना, ये बाधा थोली में डरा इनाम इतना इनाम इतना। आज से बोला कर बेटे, यहाँ बारिश कर रही सर। और एक मिनट, बॉन्ड का कह रहा है? बॉन्ड का इनाम नंबर मैं तुझ दे था। हाँ बॉन्ड, एक मिनट बेटी मैं चेक कर लूँ, क्योंकि ये तो तोतला है, जिस तरह रुक रुक के बोलता है इस तरह ही नंबर चेक किए होंगे। छोड़ छोड़ के नहीं नहीं, देख लो मैं छूट देता, अपनी आंखों से देखो। नहीं मैं टांगों से देखूंगा, आंखों से देखते हैं बे। मैं दिखाता हूँ किधर दिया मास्टर साहब का चश्मा, चश्मा भी बाढ़ आया। वेरी गुड, ये दे दो, दे दो ये था 3। हाँ इसमें भी 3 है ना, चलो 3 है, 3। हाँ ये 3, हाँ उसके बाद 9। 9 नहीं है बे, फिर 9 नंबर है वो, 9। अबे यार 3 जाहिलों में भत्तिया यार मैं। अरे ये की बात होती है चाचा। अबे मेरा डिसाइड कर ले क्या नाम रखना है। मैं जल्दी में चाचा आसानी से निकल जाए। हाँ दे दो 3। हाँ उसके बाद 9। हाँ उसके बाद 12। ये 1, 7, 12 कहाँ से आ गए? वो छोटे छोटे नंबर थे ना, 1-2 महीना तो मिलाते पड़ो भारी बड़े ने। चलो दो दो 3, 9, 12 उतने आते अंडे 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 नहीं, 0-0 होते हैं। आप वही सुनने सुनने, मैं चेक कर लूँ एक मिनट में। हाँ 3, 9। ओ मुबारक हो, ये तो मेरा, ये तो मेरा 5 लाख का बॉन्ड लगी भाई। इधर आ, मुझे मुबारकबाद दे, मेरे एरिया में क्यों जा रहा? इनाम उस एरिया का भी तो हिस्सा है भाई। यही रहे, एक मिनट तेरी अम्मा को बुला, मेरा 5 लाख का बॉन्ड लग गया। अलीमा, अरे अलीमा, बुखार हो गया, बुखार अलीमा, अब सब बुखार उतर जाएगा। अलीमा मेरा 5 लाख का बॉन्ड लग गया। सच? हाँ। नहीं निकला, नहीं निकला। क्या? निकला है लेकिन तू कहाँ निकल रही है? सच्ची? अरे मुबारक हो दूल्हा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो मामू, मुबारक तो पिता जी करो, 5 लाख में तोटियां बन रहे, बताना नहीं किसी को, छप्पर में तुप्पियां छोड़े दे, तुप्पियां। लोहन मिला कुवर, दहशत, बेवकूफ, वो नमाजी आदमी, उसको ऐसी राय दे रहा, मुझे बोल दो मैं सोचूं। अरे नाम लेता है, अल्लाह खुदा ना खास्ता, कहीं घर में खुशी तो नहीं आ गई? ये देख मेरा 1000 का बॉन्ड लग गया, 5 लाख का इनाम निकला है। सच्चा अपनी हद में जा। सोना इधर आओ, मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये तो चाहते हैं मैं सदमे से मर जाऊं। सच्ची में हमारा 5 लाख का बॉन्ड निकला है? सच्ची में? ये देख ये 1000 वाला, 1000 वाला बॉन्ड। हाँ अरे मेरा सुबह 1000 का बॉन्ड खो गया था, तुम्हें तो नहीं मिला? सुनो हमारा बेटा खो गया, तुम्हें तो नहीं मिला? आ छोड़ो अम्मा, वो तो था ही कमीना। देख बे ओ कमीने, अपनी आंखों से देख, 5 लाख का इनाम निकला मेरा। 5 लाख? हाँ। चल बे अपनी हद में जा, अंधे को हद का क्या पता अब्बा। चल चल, पहले तुझे बीवी की लालच ने अंधा किया था, आज दौलत की लालच ने तुझे अंधा किया, चल यहाँ से। चलो, चलो। हाफिज जी सुनो, इनके दौलत पे हमारा कोई हक नहीं है,
ठीक कह रही हो बहू, इस दौलत पे तुम्हारा हक नहीं है, इस दौलत पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी शकीला का हक है। शकीला? कल मेरे ख्वाब में आई थी, यहाँ सड़क कहता हो गई, कमीज गीली हो गई, निचोड़ के पहनी। शकीला? शकीला कहाँ है? शतीला नहीं है, शतील भाई तो मिल। ओहो, ये तो जलील भाई निकले। शकीला कहाँ है अब्बा? अबे चल यहाँ से। हमारे से कल ख्वाब में आई थी वो, मुझसे कह रहे थे भैया 5 लाख का बॉन्ड निकलने वाला है, आके 2.5 लाख ले जाना, आंखें बनवा लेना। अबे चल यहाँ से। तुम भी आए थे ख्वाब में, अम्मा भी आई थी, अम्मा क्या थी, ख्वाब भारी हो गया, मामू भी आए थे, सभी आए थे, तुम लोग सारे तेरे ख्वाब में आए थे। हाँ तो क्या 1 महीने तक सोता रहा? चल निकल। नहीं नहीं अब्बा, तुम लोग जलूस की सूरत में आए थे। अबे ये सब ख्वाब में आए थे तेरे? तू नहीं आया था बे? हैं? तू नहीं आया था? मैं आता भी थे, मैं तो छुट्टी सीधे ख्वाबों में था। इसीलिए मना करता हूँ, घर वालों को मना करो, सोया ना करें। चल चल। हमेशा जलील होता है, मंगते कहीं के। मंगते कहीं के क्या होता है? मंगते यहीं के। यही तो मानते मन। अपनी जमीन बेच रहा है, 2 लाख रुपए का नहीं, जमीन खरीदो। 1 मिनट बेटा, सब खरीद लेंगे। अब जाओ चुम्मन, जाके बाजार से घर की तमाम चीजें ले आओ। जो पहले तो तुम 2 कलर टीवी लाओ। 2 कलर टीवी? ओ, ओ, अप्पा हमारे लिए मंगा रहा भाई। एक दोनों अपने लिए मंगा रहा हूँ, अपने कमरे में रखूंगा, एक आमने दूसरा सामने, यू देखूंगा। ऐसी बातें तो कोई पागल ही कर सकता है। अबे ले, ये पागल बोल रहा बाप तो पागल बोल रहा, पागल से बच्चे। चमाट भी नहीं मार रहा, चमाट मारूंगा जबान आ गई फिर और कहेगा मुझे। और तू ये करना भाई, वो भी लाना, वो ठंडे पानी की अलमारी होती ना, दो। हाँ, दो। एक में कपड़े रखेंगे, एक में हम लोग बैठेंगे। हाँ, ठंडे पानी की अलमारी नहीं तो फ्रिज। फ्रिज? फ्रिज? फ्रिज मंगा लो, मंगा लो, मंगा लो, फ्रिज मंगा लो। फ्रिज? फ्रिज मंगा लो, हमारे मटके में लीड दे देना बस। मटके में लीड मांगना? अभी दे देना, अभी हाँ कर लो, बाद में लीड देते ना, उसमें तिरन छोड़ देंगे। इसकी बीवी जाएगी ना पानी भरने मटके में, भैया तिरन लग गया। तोतले को सारा पता है, सिर्फ जुबान से तोतला है, मनुष्य है। जाओ चुम्मन, और तुम एक काम करो, 20-25 टेप रिकॉर्ड भी ले आओ। 20-25? हाँ, घर को सदर की दुकान बनाऊंगा मैं, तरह तरह के गाने बज रहे होंगे घर में, अब तो नींद भी खराब करूंगा लोगों की। और जाओ 5 मन मिठाई भी लेके आओ। 5 मन मिठाई? हाँ, और अगर बट्टा ना मिला तो? तो तराजू के एक पलड़े में तेरी बहन को बिठा देना। लाड ना कर, और वो कर, 1 किलो पत्थर के गुलाब जामुन भी लाना। पत्थर के गुलाब जामुन? हाँ जरा पड़ोस में भी तो देने। हमारा तो रोजा चल रहा भाई। देदा देदा, फौरन मुसलमान नहीं, इतने मुसलमान बंदे, अभी तीसरा तलमा सुन लो, पता भी नहीं चल रहा। तू चुप हो जाओ, ओजड़ी की पैंट पहनने वाले। तू ना बोल बेटे, ये सब कुदरत का खेल है। जा जा, और तू तमाम चीजें ले आ, घर की जितनी भी चीजें आती हैं तमाम चीजें ले आ। जा ठीक है दूल्हा भाई, मैं सारा सामान खरीद के ऊंट गाड़ी पे लाद के लेकर आ रहा हूँ। सुनो, ऊंट भी 2 होने चाहिए। अब एक एक काफी अब्बा, एक तो जा रहा है। जा तू जा। हाँ, तमाम सामान ले आओ। देखो मैंने लाते दिया, मैं बाद में मुतरना नहीं। हाँ मैं लाते दिया 1000 रुपए। तुमसे जो इनाम लाते दिया। हाँ। बात मानने में एक बात करनी थी तुमसे। हाँ, बोल, बोल। तुम तो जाओ, शरीफ आदमी इधर छितोरे के चक्कर में पड़ रहा। जाओ। ओ तालू। हाँ बेटे। तुम्हें ना मेरी अम्मा बुला रही थी। कैसी बातें कर रहा है, तेरी खाला खड़ी हुई है। और इंशाल्लाह तू बहुत जल्द मेरा भाई हो जाएगा। इधर तुमने मौदा दिया, तैसा हंस रहा है ये धजे की औलाद। अच्छा तुमने जानती ही तब, मैंने जान के बोला, अम्मा बुला रही है, गरीबो पैसा आते औताद भूल जाते हो। तुम गरीबों में बात तो इनाम निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारी तो जेब में पैसे भी हो ना, वो भी छोड़ आने चाहिए। अम्मा बुला रही थी, ताला तड़ी है, बच्चू बदला लू अभी। ताला
अपने बुलाया नहर वाले पुल से। कोई नहीं कोई नहीं, भाई तो बुलाते हैं, बहनों को चली जाना तुम। हाँ तो उसी बहन ने तो भाई तो बुलाया, फंसे फंसे। अबे चल बे, तू अपनी तरफ से पक्का करके रहियो मामू मुझे। सुन, मैं समझ गया तेरी अम्मी ने क्यों बुलाया मुझे। बेटा, जहाँ बेरी होती है ना वहाँ पत्थर आते हैं, हमारे यहाँ बेरी नहीं है फिर भी पत्थर आते हैं। हम जिन्नातों पे इल्जाम लगा देते हैं। जिन्नात थोड़ी से, मैं मारा था तुझे। अच्छा बेटे, एक काम कर, तू अपनी अम्मी से जाके कह मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? देखो, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इनाम लाते दिया, मेरा इलाज भी चल रहा है। अभी शादी करते ना इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊंगा, वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं पूछे दोस्त, बहुत बड़ी डॉक्टर है ईमान से, इस्लामाबाद में उनका बहुत बड़ी मोटर मैटरनिटी दुकान है। तो वो उससे जबान ठीक करवाएगा, वो कहीं व्हील कप जबान में किस जगह ना लगा दे। अरे तू एक काम कर बेटे, चाह पहले मुझे आई लव यू कह के सुना। हाँ इंग्लिश में बोल, आई लव यू बोलू? अभी बोल तो, आई लव यू। वो यहाँ बोल, इतना बावला नहीं है, जहाँ ज्यादा होती वहीं बोलूंगा। नाम नहीं था हमारा तो चल रहा है, तुम बोलो तो इसको तपाऊ। हाँ तपा 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 दे जाऊंगा, बता नहीं जो होते होते तो ही बात। इनाम नहीं दिला ना, परेशान नहीं हो, इनसे भी पैसे, तुम्हें भी पैसे चाहिए, इनका बॉन्ड धुला, मैं तुम्हें नंबर बताऊंगा, सट्टा खेलना सट्टा। तुमने भी मलंग से शादी कर दी बेटी की? होते होते तो ही बात नहीं, तो ही प्रॉब्लम नहीं, तो ही यानी झगड़ा, तुसी उधर थुस असी उधर थुस। चलो निकला चलो। होते जा रहे तो तपाऊ। ओए दुलामा दुलामा, गुलाम कहाँ है? गुलाम नहीं कहाँ है, मुझे ठेले पे रख के निकल गया बेचने के लिए। ये गुलाम है, दो दो रुपए में है। चलो बेगम, अमीरों के कौन मुंह लगे। आओ बेगम, गरीबों को कौन मुंह लगाए। आओ गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 5 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। अल्लाह चांद सा बेटा रे बाबा, अब इस उम्र में जो दिया है वो भी ले ले अल्लाह। क्या क्या है? अब्बा दौलत दे गए, तुम्हारे लिए कल जेवरात बनवाऊंगा। अंदर चलो, मैं तुम्हें ठीक करती, चलो। खबरदार जो मेरी बेइज्जती की यहाँ पे, अंदर चल के जीती जाए कर लो। काम खत्म कर लिया? हाँ भाई, काम सारा खत्म कर लिया। बहुत अच्छे भाई, बात सुनो यार, वो तारा और उसका बेटा मंटू नहीं आया, वो गली सजा रहे थे, अब तक कहाँ रह गए वो? आ गए भाई, आ गए वो। अबे ऐसी उलाज से मैं बहुत तंग हूँ भाई। क्या हुआ, क्या कर दिया? अबे जिस चीज को देखता कहता अब्बा मैं ये लूंगा, अब्बा अब्बा मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा। अबे क्या करेगा ये? अबे चल बे, अबे इसको समझा यार। वैसे यार तारा, हाँ बासन शकील भाई, आज से 25 साल पहले हमने गुलाम की शादी में इस पूरे घर को सजाया था, मगर आज 25 साल बाद उसके बेटे की शादी में आधे घर को सजाना पड़ा है। हाँ यार, उसकी बीवी ने आधे घर का बंटवारा करवा लिया। हाँ यार, बड़ी तेज तर्रार बीवी है भाई। वैसे एक बात पता है तुम्हें? हाँ भाई, गुलाम के अब्बा का 5 लाख का बॉन्ड निकला था। अच्छा? है ना, वो अमीर से अमीर तर हो गया है, और गुलाम को देखो गरीब से गरीब तर हो रहा है। अबे तो उसका नाम क्या है? गुलाम। तो बेटा गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है। हाँ ये बात तो। यार शकील चाची, तुम्हें एक बात पता है? ये भाई, गुलाम के बाप ने गुलाम के बेटे की तालीम और तरबियत में बड़ा पैसा खर्च किया भाई, और गुलाम को पता तक नहीं है। नहीं? हाँ बड़ा अच्छा है भाई, दिल का बहुत अच्छा है उसका बाप, मगर गुलाम बड़ा नालायक निकला। अब बात सुनो यार। हाँ। अबे यार, उसने भी तो अच्छा नहीं किया उसके बेटे ने। हाँ यार बहुत गलत किया। देखो कोर्ट से शादी करके ला रहा है एक अमीर घराने की लड़की को। हाँ भाई, आखिर पैसे वाला बन गया है ना। हाँ। देखो यार, देर हो रही है, मैं दूसरा घर भी सजाना यार, किन बातों में लग गए। नहीं 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 भाई नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं दूंगा आपको, आप चाहे तो मेरे से कारोबार खत्म कर लें। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता भाई। किससे बातें कर रहे हो? सदर किल्टन है, कह रहा है 25 रुपए उधार चाहिए। मैं मना कर दिया भाई। वो तुमने कोयले कौन से डाले इसमें? गीले तो नचोड़ के डालती। हा?
जली नहीं रहे, धुआं ही नहीं निकल रहा हुक्के में। चल बैठ, समझ नहीं आ रही, आज 25 साल हो गए अलहदा हुए इस कमीने को, मगर आज इसके घर में सन्नाटा है, पता नहीं क्या बात है। कुछ पता भी है तुम्हारा बेटा कोर्ट में शादी करके आ रहा है? बड़ा ही बेगैरत बच्चा है, सिर्फ कोर्ट में करके आ रहा है, पतलून पहनना भूल गया। शादी करके आएगा, लोग कह रहे होंगे लो भाई मलंग ने शादी कर ली। हाय मेरा बेटा कितना खुश नसीब है, किसी करोड़पति की बेटी से शादी करके आ रहा है। सुन रही है नेक वक्त? हाँ। तेरा पोता करोड़पति बाप की बेटी ब्याह के ला रहा। अल्लाह गुलाम की हालत पे रहम करे। आमीन। तुम बहू का इस्तकबाल नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा, हम तो उन वालदन में से तो है नहीं, थोड़े पैसे आए बच्चे को निकाल के फेंक दिया। सुनो नेक वक्त, क्या तू बहू को मुंह की दिखाई में क्या देगी? सोने का सेट दूंगी। हमें जागने का ही दे देती। खबरदार जो कुछ दिया मेरी बहू को, समझी? चल खामोश करके बैठी है। तू भी मत बोला कर कम्बल। खामोश, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा डार्लिंग, डार्लिंग चुप हो जा। क्या कह दिया? डार्लिंग कहा बे? डार्लिंग वेरी गुड, अपना नाम तो टॉनी रख लिया होगा। पैसा आने के बाद आदमी नाम भी बदल लेता है, शख्सियत भी चेंज हो जाती है, समझे? चलो क्यों चलूं, मेरी जगह है, मैं क्यों जाऊं भाई? देखना मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा होगी। होगी, हमारी बहू तो भूसी टुकड़ा थी। देखो तुम्हारी बहू तो भूसी टुकड़ा कह रही है। अम्मा भूसी टुकड़ा नहीं है, शाही टुकड़ा है, ये अलग बात है, थोड़ी फफूंद लग गई। अरे छोड़े इन बातों को, मेरी बहू को देखना सोनी होगी, सोनी। शकीला भी यही कहती थी, सोनी तो नहीं हिटाची निकल आई, जगह जगह से कलर छोड़ती है। क्या टीवी किसी की? बेगम शकीला भी अपने घर की हो गई, दो बच्चे हो गए माशाल्लाह, इस्लामाबाद में सेटल हो गई, मामू हज पे गए वहीं फौत हो गए, अल्लाह ने उनकी सुन ली, जन्नत में गए होंगे सीधे। अरे हमें क्या पता, तू भंगड़ा डाल भंगड़ा। कोयले डालो कोयले। किसमें? हुक्के में बे। खूब संभाला अब्बा। अब्बा तू ये हुक्का क्यों पीता है? अबे मेरी मर्जी है, मैं पीऊंगा बे। क्या फायदा मुंह लगाते ही कुड़कुड़ शुरू? ये तो हुक्का है जो कुड़कुड़ करता है, यहाँ तो इंसान कुड़कुड़ करते हैं। देखो तुम्हारे अब्बा कह रहे मैं कुड़कुड़ करती हूँ। अब्बा ऐसी बात नहीं है, कुड़कुड़ इंसान को खा जाती है, ये तो कुड़कुड़ को खा गई। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। क्या दाल में कचरा है? वाह अम्मा, दाल को कहकर बहू को सुना रही है। अब्बा दो कश तो लगा दे, शर्म नहीं आएगी बाप के सामने हुक्का पिएगा? अब मैं भी तेरे जत्ता हो गया हूँ, ये अलग बात है, तू आगे निकल गया। तेरा एक बेटा है? हाँ है। मेरा भी है। तेरी एक बेटी है? हाँ है। मेरी नहीं है। तो इसमें मेरा कसूर? किसका कसूर है भाई? मुझे क्या पता। हाँ तू नन्नी बन जा। सुन बे, ओ दो कश लगा दे। सुन, दो कश से ज्यादा ना लगाइयो, समझे? शिकल तो देख तेरी, हीरोंचियों को पन्नी सप्लाई करने वाला लग रहा है। तो कब कब लेने आ रहे हो? कल्पी दो कश से ज्यादा ना लगाइयो। कहानी सुनाऊंगा। सही। कहानी खत्म। हाँ। कश खत्म। ठीक। कहानी भी दो कश जितनी हो। सुन। हाँ सुना। एक था बादशाह। सही है। वो बड़ा गरीब था। एक बादशाह था, तांगा चलाता था। ये तो सही है, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा? चल दूसरी सुन ले। हाँ सुना। एक शिकारी ने जाल ली, जाल लेके जंगल में निकल गया। अच्छा। उसमें बहुत सारी चिड़ियाएं फंस गईं। अच्छा। एक थोड़ी सी जाल फटी हुई थी। हाँ। एक चिड़िया उड़े फुर, फिर एक उड़े फुर, फिर फुर, फिर फुर। अबे कितनी चिड़िया है? 1.5 करोड़। डेढ़ करोड़ में तो कमीने ये खत्म हो जाएगा। चिड़िया सारी उड़ेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी। ना भैया ना, मुझसे सुन कहानी। सुना। एक बादशाह था, वहां जाके देखा तो नहीं था। सुन, एक बादशाह था,
जब गौर से देखा तो ईट का नवा निकला। कैसी? बहुत बुरी है। चाय पिएगा? पिला दे। अपने घर में जाके पी। आ जाओ, हो गए जलील। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे पास? अरे इस उम्र में कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में तो सिर्फ बातें ही हो सकती हैं बेगम। मेरा बेटा कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? मनोज कलूटा पकड़ा गया होगा, पकड़ा गया होगा। ए रश्मि बहू, बेटे की शादी की मुबारक हो। देख लो तुम्हारी माँ तंस कर रही है। हेलो, अरे तंस कहे का? शादी तो फिर शादी है, चाहे तंबू में हो चाहे कोर्ट में। तंबू में बंबू लगाए बैठे? अबे कमीने, तू हर जगह बंबू लगा देता अपना। बात सुनो, ए मेरे पोते की शादी है ना, इसकी खुशी में मैंने यहाँ पे रक्स का इंतजाम किया। और सुन बे, आप समझा अब्बा, बॉन्ड को बहाना है, अब पता लगा तू अमीर कैसे हुआ है। अबे तू भी ये कर लेता तो आज भूखो ना मरता। सुनो, कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे को खर्च करने की। हाँ, खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जो देना है कैश दे दो। कोई तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा पोता है इकलौता, मैंने खर्च किया है, समझे? मैं यहाँ रक्स कराऊंगा। और बात सुन बे, ओ अगर नाचते नाचते वो तेरे एरिया में आ जाए तो वापिस कर देना। ये तो मेरे मूड पे है अब्बा, बस दुआ करो ये बीड़ी चढ़े नहीं मुझे। बात सुन, मैं बुला रहा हूं सितारा को, अंदर भेज दे नसीम। माशाल्लाह, इस काम के लिए आदमी भी रखा हुआ है।
वाह क्या इंतजाम है तेरे। अबे हम तो अमीर लोग हैं, गरीबों के लिए कभी कभी खुशियां कर देते। अरे मुबारक हो चाचा, मुबारक हो। हाँ तुम्हारा पोता आ रहा है कोर्ट से शादी करके। अबे बात सुनो बे ओ जी, ये वहां की खबर है, वहां सुनो। चिरानों की चिरान और गंदों की गंद, चिचोरों की औलाद तशरीफ ला रही है। सही कहा है उसने मनु, उसके बच्चे इतने इतने से हैं आवाज पूरी निकलती है मनु से। चीचोरों को सलाम है मेरा, हे हाँ। चीचोरों को सलाम है मेरा, ये नाम जरा बदनाम है मेरा, के सिकंदर सनम नाम है मेरा, के सिकंदर सनम नाम है मेरा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास ही है, मुझे भी आवे। चलो भूखा नहीं मरेगा तू। बात सुन, तेरा बेटा सिटी कोर्ट से शादी करके आ रहा है और गाना भी गा रहा है, पता तो कर कहां से आ रहा है। पीछे से घूमता हुआ आ रहा है। ओए तू सीरियल वन है, ये सीरियल टू है। क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं अब्बा, सुसर ने लात मारी है। क्यों, रंगीले की बेटी से करके आ गया क्या? किसी की भी बेटी से करके आया हूँ शादी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अब्बा। क्या बेटा? मेरी बीवी आ रही है और मेरे सुसर आ रहे हैं, जरा तमीज से रहना उनके सामने, समझ गए ना आप लोग? वो तो सब ठीक है, ये बताइए ये किस बकरे की उतार के पहनी है तूने? बेटे जी, तू क्या मेहंदी हसन के पीछे तबला बजाता है? दादा बुक क्या हो गया, मेरी बीवी आ रही है, उन्हें बुला रहा हूँ मैं, समझ गए ना आप? बुला ले बेटा, बिल्कुल तमीज से रहना। अच्छा बेटा आओ भाई आओ। ओह माय गॉड, इतनी बदबू! क्या हो गया? इतनी बदबू! बदबू? मना किया था, मैंने मना किया था, मेरी शादी में दाल चावल मत खाना। तुम्हें आई? नहीं, उधर से आई है बेटा। यहाँ कभी नहा तो लिया करो। बिला वजा अभी ईद पे तो नहाया था मैं, पानी बहुत गीला होता है बेटा। बेटे जी, बेटे क्या खुशबू डाल रहा है? जी दादा अब्बू, थोड़ी सी अपने बाप पे भी डाल दे। वो परफ्यूम का नहीं, टाइफून का केस है। वो टाइफून का भी नहीं है, फिर? उसके लिए हुकूमत ने ऐलान किया है, पूंछ से पकड़ो, तेजाब डाल के जला दो, 5 रुपए मिलते हैं। जी कहिए। देखें जी, दिखाएं जी, मेरी बेटी बड़ी नाजा में पली हुई है, वो यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता रहेगी। उधर रखो अपने मेहमानों को, मेरी हद में ना आए, समझे? मैंने पहले भी मना किया इनको। खबरदार मेरी चीजों का सहारा लिया। उधर रखो, इधर कोई नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी, अपना। हाँ तो मैं ये कह रहा था, वो यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता रहेगी, वो भी दुनिया की रस्म निभाने के लिए। जैसे इनका बंगला तैयार होगा, ये दोनों इस गंदगी से चले जाएंगे। क्या? मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा? यस, जहाँ बीवी वहाँ डालडा। अब वो आपका बेटा कहाँ? अब तो वो मेरा शौहर है। क्या हुआ? शौहर तो देखो, जुम्मे को क्यामत है भाई। बेगम बेगम, हम जुम्मे रात को ठट्टे चले जाएंगे, जुम्मे को क्यामत। बेटी मैं चलता हूँ। ओके डैड, बाय। देखो असलम जी,
मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसने कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके पेप्सी। दिस इज द डबल एक्शन ब्राइट, धोए भी चमकाए भी। आपकी इजाजत हो तो ये फ्लश खींच दूं? क्या बदतमीजी। कोई नहीं, अब बाकी बातों में ना जाओ, आज चरस ज्यादा पी लिए बस। आज मैंने ज्यादा पी लिए, देख रहे नहीं, यहाँ से गायब हो गई है। आप ठीक है? ठीक है, ओके मैं चलता हूँ। उधर से चल। I'm sorry old man. Okay, Dentonic. Dentonic, this is the पीछे से आके। बात सुन बे, तेरा मेहमान है, इज्जत कर। तेरा समझी है, खाने पीने का नहीं पूछा, चाय पियोगे? जी। बाहर होटल बहुत खुले, जा पी ले। मेरे मेहमान से बदतमीजी की ना अच्छी बात नहीं होगी। मेरे अब्बा हैं बदतमीज हैं, 2 साल छोटे हैं मुझसे। मैं माफ कर देता हूँ, मतलब छोटे हैं, चलो कोई नहीं। खाना खाओगे? खाना जी, ईदगाह पे जाओ खाओ, मेरे लिए भी लाओ। क्या बदतमीजी है? आप जाएं, आप मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। ठीक है, ठीक है, ओके। रोशनी बहू, दुल्हन की बलाएं ले ले अपने सर। क्या? सबर करो, सबर बड़ी चीज है। आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है। अबे कमीने, तू मुझे यही कहता है कल सुबह ईद है? मैं कपड़े पहन के बाहर जाता हूँ तो लोग कहते चाचा आज जुम्मा है। हाय मेरी बहू, मैं चाहता हूँ प्लीज, सारा मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। हो शी, हाँ हाँ, दिस इज माय माँ। ये तुम्हारी मामा है? हाँ? मैं समझी इस घर की नौकरानी है। क्या? चलो बेकार रहने से बेहतर है नौकरी तो मिली। ये कौन है? दिस इसकी माँ का शोहर। नहीं, कोई शोहर और नहीं। आप? मैं शोहर नहीं हूँ। नहीं, कौन हूँ? अब्बा हूँ मेरे। अब्बा हूँ भाई इसका। क्या? नहीं, इसका शोहर हूँ। क्या कह रहे हो? मैं पता नहीं कौन हूँ, यही रहता हूँ भाई। डार्लिंग, ये अब्बा है। अच्छा, ये तुम्हारी अब्बा है? हाँ, अम्मा ने तो यही बताया। दाई ने भी तो बताया था। अच्छा, ये तुम्हारे अब्बा है? जी। मैं समझे इस घर का चौकीदार है। हाँ। जागते रहना वरना चमाटे पड़ेंगी। हाँ, जागते रहना, इस कमी में पहना रहना वरना चोरियां डलवा देगी। क्या मुसीबत है ये? आप मुझे चिट्ठी की बांध कर क्यों देख रही हैं? हाँ, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें बैठकर यूं ही देखती रहूं। अम्मा, ये मेरी बीवी है, कोई स्टार टीवी नहीं है। देखती रहूं तो फिर देखती रहो और मुंह दिखाई भी दे देना, मैं चला जाता हूं अंदर। रोशनी बहू, चल अंदर, चली जा। आप तो कोर्ट से भी आवाज आने लगी। हे, वो कौन लोग हैं? ये दादा है। ओ कमीने, मुझे कहाँ बदमाशी करते देख लिया तूने? आप समझे नहीं, ये मेरा मतलब ये दादा अब्बू हैं और वो दादी माँ बॉर्डर के उस पार रहते हैं। तो क्या वहाँ जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत पड़ती है? हाँ जी हाँ, वहाँ जाने के लिए मेरे वीजे की जरूरत पड़ती है। हाँ, और इस मोहर की। लेकिन अगर मुझे वहाँ जाना होगा मैं तो बगैर वीजे के चली जाऊंगी। हाँ हाँ, कुछ कर देता ही। बस कर दे अब्बा, तेरी कोई चीज गिर जाएगी। मेरी चीजों की फिक्र ना कर कमीने, अपनी चीजों की फिक्र कर। एक बात दादा, एक बात तो बताओ। हाँ, इससे पहले क्या मौत के कुएं पे नाचते थे? मैं नाचता था, तेरा बाप मुंह से नोट पकड़ता था। बेगम बेगम, बोगला बोगला। बगला नहीं है, चील मुझे लेके जा रही है। मैं ये बांस ही खड़वा के फेंक दूंगा। Hey, असलम जोल ले। क्या 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 क्या? असलम जोल ले। खुब तुझे डार्लिंग कह दी। तेरा बेटा डार्लिंग नहीं है? फिर ये डॉलर इंक है। ये डॉलर इंक नहीं है तो ये खाली शीशी है। एक शीशी भी नहीं है, ये शायद चूस है।
मुस्लिम जोलिंग। ये क्या है? ये अपनी बीवी की आंखों का इलाज करा भाई तू। एक मिनट अब्बा, इसके डार्लिंग कहने पर आप लोग नाराज हो रहे हो। जब पूरे मोहल्ले की लड़कियां मुझे कहती है शाहरुख खान जा रहा है। फिर बोली वो तो बेटे नाबीनाओं का मोहल्ला है। असलम जॉलिंग, मेरे पीछे पीछे आओ। चलो चलो चलो, वहां कहां जा रही हो? क्यों, अब्बा का कमरा वो तो जाने दे। सफाई करके आ जाएगी। ओके जॉलिंग, मेरे पीछे पीछे आओ। ना कर, बाकी के भी गायब हो जाएंगे। अब्बा जी। बेटा जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा बेटा, थोड़ा बैठ, मुल्क के हालात में बात करने हैं। तो क्या हो गया अब्बा? बस बेटा क्या बताऊँ। अच्छा बेटा एक बात बता, पतीला किसने इजाद किया? टाइम को छोड़ बता, ये सवाल है, मैं बताता हूँ। इब्न साइंसदान, इसका नाम था इब्न डिसोजा, जुम्मे की भी छुट्टी करता था, इतवार की भी। तो इससे मुझे क्या करना है? आप मुझे अब सुबह जाइए, इत्मीनान से क्या है? अब आप समझ नहीं रहे हो, अब आप समझा करो, कल वलीमा भी करना है। कर देंगे बेटा, कोई नहीं। अबे छोड़ो अब्बा, बैठ बैठ आराम से। हार वार उतार के बैठ गले से। अब्बा एक मिनट, अब्बा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ अब्बा, क्या अगर मेरा कोई दोस्त आया ना कर्जा वर्जा देने के लिए, हाँ, तो उससे कहना मैं एक महीने के लिए भंबोर चला गया हूँ। हाँ भंबोरेंगे तो पता लगेगा तुझे। बल्कि अब्बा ऐसा करो कि बाहर से ताला ही लगा दो यार। मैंने तो नाड़ा बांधा था बेटा उसको। कुछ भी करो, और बात सुनो, एक गिलास दूध भी भिजवा दे। नए नए काम बता रहा है मनुष। बस बेटा मैं डायरेक्ट ले आऊंगा, अंदर आ जाऊंगा। डायरेक्ट मत आना, हाथ आ जाएगा खाली। इसमें भी दस्ताने होने चाहिए, यहाँ क्या आंखें लगी हुई हैं? बस कुछ भी है, और वैसे भी बीवी का हुक्म मानने में मेरा बेटा लगा शेर लगा कुत्ते। बेटे कहाँ जा रहा है चांद? बेटे एक काम करते। हाँ बोलो। हैदराबाद से पान लिया। क्या हो गया दादा को, आपको हैदराबाद से पान? नहीं बेटा, हैदराबाद से कहाँ मिलेगा, लाहौर से लिया जा। तुमने देखा इस लड़की ने मेरे से कैसे सलूक किया? जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने क्या किया था तुम्हारे माँ बाप के साथ? तो उसके साथ भी कुछ ना करना, वही करेगी जो करेगी। वो क्या करेगी बेटा, वो तो नई नवेली दुल्हन है, इसके साथ तो कुदरत करेगी। अरे जाओ बड़े आए कंजूस कहके। चल इधर चल, कंजूस बकवारी कंजूस होगी तू। बस करो कंजूस 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 तुम हो गए। ये देख रहा ये 1800 की है। 1800 की क्या टाइम बताती है? हाँ एक पड़ गई ना 12 बज जाएंगे। कंजूस ईद पे एक ईद पे समय तक नहीं बेचते लोग। बस करो, ऐसे सियाने अब्बा हैं। मैं क्यों बस करूं, मैं रिक्शा करूंगा, जा। ये मेरा बाप है, मैंने कहा अब्बा फ्रिज में से लीड दे दो मटके में, कल गर्म पानी आ रहा था मटके में, बताओ। हाँ तो मैं देख गया था तूने मेरे फ्रिज से लीड ली हुई थी, मैंने वो लीड निकाली और गीजर में लगा दी। हमने भी कंजूस ओके। कितने पैसे हो गए बेटे? ओ, क्या बात है अपना बहू। लगता है इस घर में किसी को बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। किस बात का शोर है ये भाई? हाँ सोना बहू। ओ खैर हो गए शरणी, जालमाती जुल्म दी अखीर हो गई था। ओ सुनाओ सास जी। हाँ हाँ तेरी भी खैर हो गए, सूली चढ़ जाने वाली है। अच्छा जालमा मैं नशा की सारू। तू बहाने बहाने से अपना शौक पूरा कर। मैं नाच नहीं रहा था कमी में, अपना पजामा ठीक कर रहा। सुनो तुम्हारी आवाज खत्ता की रहनी चाहिए। ओके ओके ठीक है, आप मुझे हद बता दीजिए, मेरी हद कहाँ तक जानी चाहिए? हाँ वैसे कान खोल कर सुन लो, हम 94 के लड़कियां हैं, यू नो। हाँ ओ लड़कियों से मत डरो तुम, लड़कियां तो है बना है।
वो शाम मत करो तुम लड़की लड़की ए लड़की ये 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 अली माँ देख तू देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए अली माँ देख तू देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए अली माँ देख तू देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए इसके लंबे बाल कटा दे इसकी वीडियो बंद करा दे इसकी बीवी बंद करा दे मुंडे देख तू देख तेरी बीवी चल के आए मुंडे देख तू देख अब्बा देख तू देख चल मत देख यहाँ देखने को भी क्या बात सुनो मुझ पे ज्यादा रोब डालने की कोशिश मत करना वरना हाँ अरे चल वरना क्या कर लेगी मैं तो इज्जत कर रही हूँ एक दिन की दुल्हन समझ के हाँ, ये क्या दुल्हन दुल्हन की रट लगा रखी है हाँ अपनी काम से काम रखो हाँ, हाँ। हाँ, पैड़ी आई काम से काम क्या मैं काम मुझे कह रही काम से काम रखो हाँ बेटी तुम काम बता दो तनख्वाह खोल ले लेंगे क्या? ओके ओके सास जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है कब चाय ले आओ हरी अब हाँ क्या मैं चाय मटके में से आई आवाज मटके में से मटके में से नहीं आई ये कमीने मेरे फ्रिज में से आई मुझे चाय लाने को कह रही है तेरी मर्जी है तू बोतल लिया सुनो मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ अपनी माँ की नौकरानी है ये खबरदार खबरदार जो मेरे डैडी तक पहुँचने की कोशिश की हाँ पहुँचने पहुँचने दे बेटी पहुँचने दे पैसे नहीं होंगे तो पिपरी से वापिस आ जाएंगे पीपरी से भी क्यों आएंगे हम भीख मांगते हुए निकल जाएंगे बात खोल कर सुन लो तुम लोग अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है हाँ अरे चल वरना क्या कर लेगी हाँ अरे क्या कर लेगी बुढ़िया कहीं की क्या बोल रही है तू हाँ कप के नीचे से लो भाई कप में कोई छुपा बैठा है कोई नहीं है मेरे हुक्के में से आई पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही है पता नहीं कहाँ से डाइन को ले आया मेरी जान पे अजाब ओफो बुढ़िया पता नहीं तुम कहाँ से आ गई मुझे तो लगता है शेरशाह से कहीं पकड़ के ले आए तुम कहाँ बुढ़िया कह रही है मुझे क्या कह दिया बुढ़िया कहाँ है बुढ़े मैं समझा बुढ़िया का क्या मुझे बुढ़ा ना कहना क्या 17 साल उम्र है मेरी मैं रिवाइंड हो रहा हूँ 17 साल उम्र है जीरो लगाना भूल गए अरे चल जीरो लगाना भूल गए अरे क्या समझती है तू बुढ़िया कहेगी बदरू कहाँ पे खो अरे चल भूतनी कहेगी असलम जाओ ले असलम जाओ ले क्या आ रही बीवी का गुलाम बताइए जैसे खुद तो था ही नहीं मैं इतना तो नहीं था अब्बा क्या हुआ बताओ मुझे असलम जान ले ये जो तुम्हारी बूढ़ी मामा है ना बूढ़ी मामा इससे बोलो आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ समझ जाओ भाई समझ जाओ असलम जान ले पता है क्या ये मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बेइज्जती की है यस बेइज्जती कर रही है मेरी माँ ने तुम्हारी बेइज्जती की है बुढ़िया ने मैं मर गया हूँ क्या मेरा मतलब मैं मर गया मैं खुद डांट रहा हूँ डांट दो बुढ़िया को इधर देखो मत देखना आंखें दुखने आ जाएंगी ऐसी चीजें सिर्फ एक दफा देखते भाई देख लिया मिट्टी पाओ ओए तू क्या आन फिल्म के दिलीप की नकल कर रहा है एक मिनट दादा अब्बू हाँ भाई क्या है मेरी वाइफ को डांटा है आपने हाँ क्यों डांटा है आपने मेरी बीवी को क्या ओहो अम्मा निकनी अपनी बीवी से अपनी माँ की बेइज्जती करा रहा है तो क्या करें घर में कोई और नहीं है तो अबे यार ये कुछ सुना सुना लग रहा है मेरे को ओ मैंने कही किसी ने भी कही लेकिन खबरदार जो मेरी बीवी के साथ तो, मुझे कहीं चल जा रहे अपनी डांट बीवी को नहीं समझाते अरे बद्रू कहीं की बात है मुझे जॉइन कह रही चुड़ैल हो अरे चल चुड़ैल होगी तू अरे चुड़ैल एक मिनट क्या समझती है तू अपने आप को हां अरे चल तू क्या समझती है एक मिनट अरे आई है तू हां ए
तंदूर पर रोटी लगाना बंद करो। तू तो कह रहा था डिफेंस की है, ये तो पतोकी की निकली। अब्बा नजूमी से गंद हुई है खुदाई कसम। ऐसी होती है गरीब मोहल्लों की तो। अरे चल ना कुरंगी की कहीं की ना हो बुढ़िया। अरे चल ओसा कॉलोनी की ना हो तो। अल्लाह करे इसकी आई तुझे आए। अल्लाह करे किसी की आई तुझे आए। अल्लाह करे छोटी आई बड़ी आई। भाई अब्बा इनका फड्डा देख कर। अल्लाह करे तू बेवा हो। अल्लाह करे तू बेवा हो। अपनी बीवी को समझा, दोनों तरफ से तेरा नुकसान हो रहा है कमीने। एक तरफ तू जा रहा है, दूसरी तरफ तेरी रेजगारी जा रही है। रेजगारी थोड़ी है, देखो ब्लैक मनी है ये। काला पैसा। अब्बा अम्मा का और सलमा का फड्डा देख के एक शेर याद आ गया। एक मिनट, झगड़े की रील तोड़ दी, शेर शुरू करे। अब्बा तुम्हारा बेटा शायर था? नहीं कमीना था। तुम्हारा नसीब। हमारा तो अचानक शायर निकला। लो बेटा अब्बा शेर सुन लो। सुना बेटा। कि भाई एक ही सफ में खड़े हो गए ए मेरे रब्बा। हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए मगर क्यों। अब्बा शेर तो सुन लो अब्बा। भाई एक ही सफ में खड़े हो गए ए मेरे रब्बा, एक तरफ बेटा दूसरी तरफ अब्बा। तुम्हारा बेटा बेगरत था? नहीं हमारा तो निकला भाई। सुनो शेर सुन बे। जी मुझसे सुन। लो कैसी थी टूट गई। कैसी नहीं टूटी, हेड साफ किया। सुनो जी एक ही सब में खड़े हो गए ए मेरे अब्बा। अब्बा नहीं रब्बा। हाँ उसी रब्बा के पास मेरा अब्बा भी है। एक ही सब में खड़े हो गए ए मेरे अब्बा, एक तरफ इंजन दूसरी तरफ मालगाड़ी का डब्बा। लो भाई एक ही सब में खड़े हो गए। साथ वाले की जेब पड़ गई। सबका शक मेरे पे आया। अब भाई शेर सुनाओ शेर। अच्छा मैं कोई हालात सुनाने लगा था। और अच्छा। एक ही सब में खड़े हो गए है मेरे रब्बा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में नहा के कुएं में छलांग रहा हूँ। अबे जब तुझे समंदर में नहा के कुएं में छलांग लगानी थी तो हमें सफों में क्यों खड़ा किया। चलो मैं फटा शुरू करो। बंद करो। अरे बस करो फटा फटा। क्या फटा शुरू करो, तुम लोग हमको लड़ने क्यों नहीं देते। लड़ो, लड़ो। अरे चल तुझसे कौन लड़े, तुझसे लड़ना तो मेरी तौहीन है। अरे चल ना। मुझे बचाओ। कौन हो बहन, मैं तो प्याज लेने आया हूँ। क्या कह रहे हो? क्या लेने आया? प्याज प्याज। तो तुझे क्या समंदरी कीड़े ने काटा? क्या कह रहे हो ये? आए बेगम तुम कब आई मुल्तान से? तुम तो गई नहीं थी। क्या क्या हो गया? ये तो नाच रही है। नाच रही है? अब्बा हाँ हम लोग बहुत जल्द अमीर होने वाले। बेटे अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। वो नए नए चस्के दे रहा है। नाच नहीं रही है, जूडू कराटे आवे। पराठे? हाँ पराठा के चक्कर में खा लियो तू। ये जो तुम्हारी बूढ़ी मामा है ना बदरू कहीं की, इसको समझा दो मेरे मुंह कभी लगने की कोशिश ना करे। हाँ और हाँ इस बुढ़िया को मेरा टाइम टेबल भी बता दो। हाँ टाइम टेबल सुनो मेरी वाइफ का। मेरी वाइफ सुबह 11 बजे सो के उठेगी। 11:15 बजे फिर सुला देंगे। नहीं 11:30 से लेके 12 बजे तक बैग टी और अखबार पड़ेगी। हमारे यहाँ बेड है नहीं, चारपाई है उसकी भी रस्सियां नहीं। और 3 से लेकर 4 तक वर्जिश करेगी वो। अंदर ही करवाई हो। क्यों मोहल्ला सही नहीं बेटा। ठीक है और 6 से लेकर 5 तक वो खाना खाएगी। उल्टा खाती है क्या? मेरा मतलब है कि 5 से लेकर 6 तक खाना खाएगी वो। बहुत खाती है भाई। और ठीक 9 बजे सो जाएगी। तू कहाँ होगा? CNN 12 बजे के बाद शुरू होता है अब्बा। सुनो जी कल का काम कौन करेगा? घर पता नहीं किसका कांडा शर्माता रहता है। काम भाई आप करो। मैं? अब्बा करेंगे। भाई कोई नौकरानी रखो,
मेरा प्रॉब्लम नहीं है भैया। मेरी माँ को मलंग कर दिया तूने अब्बा। एक मिनट, थका बहुत क्लिफ्टन गया तो बत्तखे गिराता रहा तू। भाई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो फिर अपना बंदोबस्त कर लो भाई। क्या मैं सुनो जी, यह किसी के बाप की जायदाद नहीं है, मेरा घर है। इधर आ जा। अस्तगफार, बहुत ही बुरा है भाई। घर ये आपका घर है। हंसा ना कर बेटा, तू सादा बुरा है, तू हंसता ऐसा लगता मैयत हंस रही है। बताओ घर, देखो घर, बताओ आप लोग क्या घर बनाओगे? आपने तो 25 सालों में अपनी इज्जतें नहीं बनाई, उन्हें देखो जिंदगी में कभी शेव नहीं बनाई उन्होंने, हमने कभी ईद नहीं बनाई, तो फिर आप लोग घर बनाएंगे? ये घर सिर्फ और सिर्फ दादा अब्बू का है बस। खुश कर देता है कमजोर जवाना। ये क्या किया अब्बा? बम मारा है। ये बम थोड़ी, ये तो मुर्रा है। ये मुर्रा भी नहीं है, ये ठुस डिबरी है। टाइम अभी बताता हूँ। खबरदार, एस टी पी की घड़ी में टाइम क्या हुआ? खबरदार, जो मेरी घड़ी में टाइम देगा किसी ने, बंद हो जा। अबे क्या पाली भी है, बंद हो जा। तू ही बता दे अब्बा। मैं पागल का बच्चा हूँ जो बोलू 5 बजे? 5 बज गए बेटा। 5? Oh my God! लो भाई ये तो फिर खुलना शुरू हो गया। ये 5 बज गए? अबे तू क्या कमीने, क्लब में ताश बांटता है। देखे ना दादा, वो 5000 बज गए भाई। तूने पूरे साल की टाइम बता दी मनुष। चलो भाई। ओहो बेगम सदके दो भाई, लड़का चुटकी बजाने लगा है। ये चलो उड़ो उड़ो जल्दी जल्दी। जाओ मेरी बीवी के लिए खाना वाना लेके जाओ भाई। क्या? बीवी के लिए खाना ले। ये 5 बजे कौन से खाने का टाइम है? अरे बेगम, ये बड़े लोग हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता खाने का। ये जब चाहते हैं जहां चाहते हैं, गरीबों का हक खा लेते हैं, गरीबों का प्लाट खा लेते हैं, लोगों की अमानतें खा लेते हैं, इन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। गरीब 2 टाइम से ज्यादा खा ले तो अमीरों को हुड़क हो जाती है, भाई गरीबों ने बड़ा खाना शुरू कर दिया, जरा नोटिस तो लो गरीबों का। इनका कोई टाइम नहीं है बेगम, जाओ इन्हें खाना दो। सही कह रहे हो अब्बा, वैसे सही कही आपने बात, और वैसे भी अब्बा बीवी का हुक्म। जाओ, कहाँ जाऊं? वो खाना देने। तो क्या डर रही है? उसे वो आते ना पराठे। पराठे के चक्कर में खा लिए तू? चल अब्बा। हाँ कुछ नहीं, तेरे पास है क्या देने? कमीने, देखा कुदरत का कानून। हाँ। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई, अरे मेरी भी बद्दुआ है ये लड़की इसके बेटे को लेकर अलग हो जाए, फिर पूछूंगी औलाद की मोहब्बत क्या होती है। ना ना नेक बखत, मुंह से बदफाल ना निकाल। जो इन्होंने किया इन्होंने किया इनके साथ, जो हमने किया हमारे साथ। चला अंदर जाके डिश देखते। या अल्लाह, मेरी सारी खांसी मेरी बीवी को दे दे महबूद, उसकी सारी खुशियां मुझे दे दे। ये भोई आसम डार्लिंग, कितनी अच्छी मूवी थी ना। हाँ फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन अब हम लोग कैबरी में नहीं जाएंगे भाई। क्यों? क्या फायदा, लाइट तो जाती नहीं है, पागलों की तरह फिल्म देखते रहो। ओपो आसम डार्लिंग, एक जो तुम्हारी डैडी है ना, खबरदार जो उन्हें इज्जत दी। क्यों? डैडी नहीं है, अब्बा है वो। ओके ओके, एक तो तुम्हारे अब्बा है ना अब्बा। इन्होंने कल मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मेरे अब्बा की वजह से जागी सारी रात? ओह यस, पूरी रात खांसते रहे। रियली? मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। मैं खामखा खुश हो रहा था अब्बा की वजह से ना। यस। सबर करो, अभी इंतजाम करके आता हूँ अब्बा का। ठीक है। मैंने भी इन बाप बेटे को अलैहदा नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी सलमान है। हाँ ये तकिया है। हाँ बेटा ये चादर है, इसका नाम बदल दो। हाँ ये दोनों चीजें लेके जाइए बाहर, बाहर कल्लू कसाई की दुकान है,
उसके फट्टे के नीचे जाके सोए आप। बेटे वहां कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, एक नहीं सात सात। मैं चला गया, लोग पूछेंगे आठवां कहां से आया। अब बेटे मेरी तो दुम भी नहीं है, कुतिया पे इल्जाम आ जाएगा। भाई मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये, समझ लेना। आपकी वजह से मेरी बीवी की नींद डिस्टर्ब होती है भाई। और वैसे भी अब्बा, आप हम दोनों के दरमियान पागल ही लगते हैं बस। वालदेन बूढ़े हो जाए तो क्या पागल लगते हैं? पुत्र प्यो नो पागल केंदे इनाद सदके जावा, हो गलियां विच उलादा छड़के फिल्मां वेखण मावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजे उतेड़ावा। नम 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 जा अपनी हसरतों पे चादर बिछा के सो जा, जा। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश घुमा बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी पंछी, छी 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 छी, जो दर्द मिला थका अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, बजा मेरे कोल तेनू तकदारवा, बजा मेरे कोल दे सोने मन मोड़े। बजा बजा ना वे बजा। गरीब है बद नसीब है ये औलाद वालो, दया करो कुछ। बात सुन, तू ऐसे कभी जामा क्लास पे चल ही नहीं सकता। हया करो हया करो कुछ, हया करो अब कुछ, लिया करो कुछ, दिया करो लिया करो कुछ। यूं हवा के साथ साथ भाग भाग के, खाब कोई देखता है जाग जाग के। कौन गा रहा था भाई? मैं तो गूंगा हूँ बेटी, ये गा रही है। ए बुढ़िया, इस उम्र में क्या गाने का शौक चढ़ा है तुमको? हा हा। अरे चल, तुझे कौन डरता है, पावे लड़ाई पावे झगड़ा, मैं तो सारा कहूँ की पंगड़ा। ओहो, अब खुली है तू। ठीक है बाबा, अगर कोई गाना सुनाना है ना तो नया गाना सुनाओ बुढ़िया। चल तुझे कौन सुनाए? अरे हट, चल मैं सुनाऊंगा बाबा, मैं सुनाऊं। हाँ सुनाओ। मैं सुनाता हूँ। अर्ज किया है। यस। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। जब भी कोई बुढ़िया देखूं मेरा दिल दीवाना डोले, ओले 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 ओले, गंजे के सर पे पड़ गए ओले ओले ओले। जब भी कोई जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हा कर या ना कर, वे नेड़े नेड़े आ। बेगम साइड में हो जाओ। पश्तो फिल्म के टोटे चल गए। बेटे गाने कैसे भी, ऑफर बहुत अच्छी है इसमें। अरे आया देखो कैसा जमाना, अरे आया देखो कैसा जमाना, अरे दादा बाबे डाला दाना, अरे दादा बाबे डाला दाना। बेटे अपने अब्बा को ले जाना, बेटे अपने अब्बा को ले जाना, ये सामान दादा से भी बचाना।
बेटा तेरा दादा फटा पुराना। हाय राम हाय राम हाय राम। चलो सुई फंस गई। सुई फंसी नहीं है, सुई लगी है। बेगम छिचोरों से पर्दा कीजिए, अरे छिचोरों से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले ये दिल काचे, वो चलो खारा दर या चलो रंछोले, चलो खारा दर या चलो रंछोले। बेटे मुझे छिचोरा ना के, क्यों? मैं तो अपने सामान में खुश हूँ। जब भी कोई बुढ़िया देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, चल रही है सीटी को दिखा के आते मुर्ग छोले छोले मुर्ग छोले। लो भाई अब्बा मुझे भी बेगलत ना कहना। क्यों? हाँ छिछुरा ना कहना। क्यों? बस मैं अभी बचे खुचे पे खुश हूँ। वाह दादा को जलाएं दादा को। हाँ हाँ हाँ। लो भाई जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, तुम्बा 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 दुम्बा दुम्बा तेरा दादा दुम्बा चक्की वाला दुम्बा तेरा दादा दुम्बा। खामोश खामोश जानवर की औलाद। जी अब्बा। अब्बास कर रहे हैं शोर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस करो मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी तो मैंने तुम्हारे सर में और दर्द करवाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्या क्या क्या? नसीम सितारा को भेजो। चल बेटे। नसीम हर एक के लिए भेज देता है। बेटे मुबारक हो, अब ये काम तेरे घर से भी शुरू हो गया। सितारा पता है क्या, ऐसा डांस करो कि बुढ़ी मेरी सास है ना इसके सर में बहुत दर्द हो जाए। ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। हाँ अच्छा अच्छा फिकर नहीं करो। ऐसा करो ये मर जाए, मेरी पड़ोसन में नजर है। क्या? बेगम बेगम एक बात बताओ, ये लड़की है रॉबिन नील का डब्बा है भाई? ये सितारा है, सितारा के हैं सपना लो। सितारा जैदी जनाब। जैदी सितारा नाम है? जैदी सितारा जैदी, आज से मेरा नाम चांद जैदी। चांद है, इसमें खड्डे बहुत पड़े हैं। हाँ भाई सर में दर्द करो, अम्मा के सर में दर्द। सितारा चलो चलो ठीक है चलो सितारा। हाँ जी मैम। क्या करूँ मैं तो मुफ्त का मुजरा हमेशा देखता हूँ। जब भी मेरा शो होता है तो मुझे बुला लेती है यहाँ। कोई नहीं, अच्छा हुआ तुमने नाच लिया, पता आज खुशी का दिन है ना? क्यों? बस मेरा पोता फोत होने वाला है। क्या? ऐसे ही बेटे सितारा जी, तुम जाओ। बस मैं जा रही हूँ, अब नहीं बुलाना। नहीं अब नहीं, मैं कह रही हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा ओके। तुझे भाई कह रही है, है? शर्म कर मर जा, भाई कह रही है। निकले यहाँ से आप लोग। क्यों निकले? क्या समझते हैं ये बूढ़ा और बूढ़ी अपने आप को? बेटी तू एहसास कर, मैं तेरे बाप जितना हूँ मैं बीमार भी हूँ। हाँ बीमार है तो मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। हाँ बेटा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो। पैसे मांग रही है बुढ़िया तुमसे। पैसे सॉरी अब्बा, खैराती अस्पताल है अम्मा, वहाँ पर ले जाओ अब्बा को। क्या? एक जवान बेटी के होते में बाप खैराती अस्पताल जाएगा? So what? कोई नई बात नहीं है, इस शहर में कितने जवान बेटे हैं, हजारों जवान बेटे हैं जिनके बूढ़े वालदेन खैराती अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं या फिर ईडी सेंटर में डिपॉजिट हो रहे हैं। एक आप लोग चले जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हाँ तबाह होइए आप लोग यहाँ से, ये मेरा घर है असलम, इन लोगों को आउट करो यहाँ से। कान खोल कर सुनिए, मुझे तुम्हारी शक्लें नहीं चाहिए, शाम होने से पहले पहले आप लोग आउट हो जाइए। बेटा असलम ये क्या कह गई? अब्बा सलमा ने जो कुछ कहा ठीक कहा, इज्जत इसी में अब्बा के चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या फायदा होगा, मुझे भी घटियापन पर उतरना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल ही बेआसरा बेमददगार हो गए, आज रात के लिए घर मिल जाए तो कल हम कहीं देख लेंगे चले जाएंगे। अरे बेटा
सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सोना गला आजा बेटा आजा। ऐसे कह दो जीते जी मैं इनके दर पे कदम नहीं रखूंगी। देखा देखा तेरी बीवी को, अरे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसकी झूठी अना और झूठी अकड़ एक दिन इसको कहीं का नहीं रखेगी। इसे समझा और इसे बता कि जो दरख्त झुका हुआ होता है वो फल भी देता है और साया भी देता है, और जो दरख्त तना हुआ होता है वो फल तो दूर है साया भी नहीं देता। मेरी मेरी बीवी ने कहा चलो सुबह का भूला अगर शाम 3 बजे तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन तेरी बीवी की मर्जी है नहीं आती ना है, तुम्हारी मर्जी है तुम ना। बेगम आओ एयर कंडीशन फुल करके बैठेंगे। देखा कुदरत का इंतकाम, आज तेरे बेटे ने तुझे घर से निकाला है, कल इस गली से निकालेगा और फिर एक दिन शर्म के मारे तो दुनिया से निकल जाएगी। आज भी मेरे बूढ़े वालदन ने तुझे पना देने की कोशिश की मगर शायद मगर बस बस रहने तो तकरीर मत करो मेरे सामने। तकरीर मैं सारी जिंदगी तेरी अच्छी बुरी बात पे जी हाँ करता रहा कि शायद मेरा घर ना बिगड़े, और इस दुनिया में ना जाने कितने घर हैं जो सिर्फ छोटी सी बात के वजह से बिगड़ जाते हैं। औलदा वालदेन और औलाद में जुदाई के दीवार खड़ी हो जाती है। तू कितनी बेहिस है, तेरी वजह से मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। मेरी बहन डोली में बैठने के लिए दहलीज पे खड़ी रही कि उसका भाई आएगा और डोली को कांधा देगा, लेकिन तूने मुझे कमरे से निकलने नहीं दिया। अरे पागल, जब जब बहनें रोती हैं तब तब भाई रोते हैं। भाई तो दूर है पत्थर भी रोने लगते हैं। तूने मेरे जज्बात मेरे अरमान मेरे एहसासात का गला घोंटा है। मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चली जा यहां से। मुझे माफ कर दे सरताज। हरगिज नहीं। मुझसे बोलोगे मुझे माफ कर दे? मैंने कहा ना हरगिज नहीं। माफी मांगनी है तो उस माँ से जाके मांग जिसने मुझे जन्म दिया और उसके एवज मैंने उसे सारी जिंदगी दुख दिए। जा उस माँ से माफी मांग, अगर वो माफ कर देगी तो मैं और मेरा खुदा भी तुझे माफ कर देंगे। लेकिन जाने से पहले ये नफरत की दीवार जिसकी बुनियाद तूने अपने हाथों से रखी थी आज इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, गिरा दे इस नफरत की दीवार को, गिरा दे। माँ बाप ही जानते हैं, ये तो हमें छोड़ के चले गए थे, वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने इसकी तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी थी। लोग मुझे कहते थे कि तुझे गुलाम छोड़ के चला गया है, तूने इसकी तस्वीर कमरे में लगा रखी है तो क्या मोहब्बत में? मैं कहता था नहीं, मैं तो इस तस्वीर को सुबह शाम लानते देता हूं। अब जबकि ये आ गई है तो मैं इसको माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। वो वहां क्यों बैठा है सड़ियल? क्या नीचे नोट रखा हुआ? इधर आ इधर। मैं तुझसे 25 साल दूर रहा माँ, लेकिन तू हर लम्हे याद आती रही। माँ मैं जब भी बीमार हुआ
तू बहुत याद आई माँ। माँ तो वो शह है, अगर प्यार से एक दफ़ा हाथ रख दे बच्चे पे तो आधी बीमारी तो ऐसे ही भाग जाती है, आधी इसकी दुआओं से चली जाती है। दवा तो बहाना है माँ। माँ, जिनकी माएँ जिंदा होती हैं उन बच्चों को किसी बात का डर नहीं होता, किसी गोली किसी की दुश्मनी का डर नहीं होता। माँ, मैं 25 साल से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे इतना प्यार देना माँ कि मैं सारी जिंदगी के दुख भूल जाऊँ। माँ, मुझे 20 रुपए देना माँ, मैं बीड़ी पीऊँगा। माँ चल बे, इधर आजा, मेरे साथ हुक्का पीजियो। नहीं माँ, मैं इनके साथ हुक्का नहीं पीऊँगा, ये हुक्का में कुछ मिलाता है। कुछ नहीं है, हैदराबाद का तंबाकू डालता हूँ। इधर आ बाबा। देख, 25 साल बाद आया है लेकिन कमीना अपनी हरकत नहीं भूला, आते ही जेब में हाथ डाल रहा है। गल्लक बेटे ना चाटा कर अब्बा, उल्टियां लग जाएंगी। वही कड़वास है। अच्छा। मैं इस मिठास के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह तुझे शुगर कर दे मेरा बेटा। ये दुआ है, ये तो बद्दुआ है अब्बा। अच्छा, मैं हलीमा, मेरा बेटा आया है। बच्चे आएंगे तो क्या खुशी में क्या दोगे? बच्चों को खुशी में देने के लिए तुझे तो पता है, ये घर ही मैं इनके नाम कर चुका हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तेरे कमीनेपन का एहसास था बेटे, अगर पहले बता देता तो आज तेरी जगह मैं आ रहा होता। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होता, आगे भी सुना करो। अच्छा, मेरा बेटा आया है, खुशी हो रही है। वो सड़ियल। हाँ। तू आ गया, सड़ियल टू क्यों नहीं आया? टू नहीं अब्बा, थ्री। तो वन कौन है? ये रहा। सारी किस्तें यहीं से तो चली हैं। अच्छा हुआ, तीन किस्तों में खत्म हो गई। बेटे जान, उन्हें मत बुलाइएगा, उन्होंने भी हमारे साथ वही सलूक किया जो हमने आपके साथ किया था। उन्हें भी तनहा छोड़ दे दर दर की ठोकरे खाने के लिए। उन्हें दर दर की ठोकरे खाने के लिए तनहा छोड़ दूं, जो हमें तनहा ना देख सके और हमें तुमसे मिला दिया? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, ये जो सारा ड्रामा हमने खेला है सिर्फ आप लोगों को मिलाने के लिए खेला है। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। आई एम वेरी सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी, डैडी को भूल गई। आई एम वेरी सॉरी डैडी। मुझे डेटा बोलियो, डेटा। ये बड़ा है, ओ वो देखो, खज्जी में से गुठली निकल के खड़ी हुई है। क्या हो गया? मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा। बेटा, तेरी तस्वीर आती है कहाँ? लीडू में। तू 99 डंग मारता, आदमी 5 पे आया था। मेरा बेटा है ये। इसका मुंह मुझे दीजियो। क्यों? कपड़े इस्त्री करने। दादा क्या हो गया अब्बा? हाँ। मुझे भी माफ कर दो। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बारातों में पैसे लूटने का मशवरा दिया था ना। वो पागल के बच्चे, वो तो बिजनेस चमक उठा है। नहीं, तू भी चलियो। नहीं, तू तो वैसे ही यतीम लगता है मनुष्य। अरे दादा अब्बू। हाँ बेटे, आप लोग मिल रहे ना? हाँ ठीक है, फिर आप लोग मिलजुल के रहे, मैं और मेरी बीवी जा रहे हैं भाई। कहाँ कहाँ? नहीं बेटा, बेटा और जुदाई सहने का दर्द नहीं है मेरे सीने में। नहीं नहीं अब्बा, मेरा मतलब हम लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं। हनीमूनिया? हनिया मुनिया बेगम मरी जा रहे। मरी मरी, मैं भी जाऊंगी। क्यों? तरफ देख रहे। हेलो, बुढ़ा जवानी का शौक बुढ़ापे में पूरा हो रहा है। मतलब आप भी चलेंगी और अब्बा भी चलेंगे? हाँ ठीक है, फिर आप लोग आ जाओ, हम लोग W11 में आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। ये क्या न्यू कराची में बर्फ गिरने लगी? मैं भी जाऊंगा अब्बा। कहा? बर्फ देखने। मरी आऊंगा, चाहे तुम रोक लो, चाहे कुछ भी कर लो। चलो बेगम, मैं जा रहा हूँ हनिया मुनिया मनाने। हलीमा देख, तू देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। हलीमा देख, तू देख, तेरा मुंडा।